Welcome back to the 368th episode of Thought Behind Things. Today is the 27th of September 2023, and today we have a very, very special guest with us, Abdul Hannan, uh, who is one of the fastest growing emerging art artists that has come out of Pakistan. Uh, you know, he's topped the Spotify uh, charts many, many times. एंड उनकी अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है मिनी एल्बम एंड ई पी इफ यूड कॉल इट जो कि फर्स्ट अक्टूबर को रिलीज़ भी हो रही है आई बेन पर्सनली चेजिंग दिस कॉन्वर्जेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट्स फाइनली हैपन्ड Um, personally, you know, there's a lot of insightful things that we discussed. We discussed his sort of life, his computer science career. He, you know, he's a full-time engineer as well. We really talked in detail about the music industry. Um, you know, live events. Uh, but one thing I really loved about this guy was that he, you know, beyond the fame and beyond the all of what he's getting in recent years, he, he honestly he seems like the guy next door. he seems so simple so uh the, so humble so um you know in tune uh, with himself so authentic so raw it's just absolutely incredible. I had a great time having this conversation with him and I hope you like it as well. if you're new on the channel please do subscribe to us if you're old please do like this video it really really helps us. With the algorithm and helps spread our content. Um, if you have some thoughts, do let us know in the comment section below. I read up all the comments and it really helps me improve the quality of the conversation. Uh, if you'd like to support us um, and help us remain an independent platform, there is a link down below, particularly for overseas Pakistanis listeners or viewers. You can support us using a Stripe link. You can check out the link down below. But, anyways, this is Abdul Hanan on TBT Slama Studio.

या सो आई दो हज़ार सोलह में स्टार्ट किया था हाँ जी, 2016. ये मुझे पता था कि मैंने कंप्यूटर साइंस ही करनी है ये नहीं पता था कि जी की से करूँगा अच्छा हाँ तो वो एक और वो कैसे science. पता था कि जस्ट इंटरेस्ट इन कंप्यूटर था जिसको के था इंटरेस्ट इन टेक इन जनरल और uh, पता नहीं वैसे अजीब सी बात है मैंने पहले भी ये कभी की हुई है लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मैं म्यूज़िक और उसको कनेक्ट कर सकूँगा कभी और मैं कोई यू you नो know, मुझे उस टाइम पे भी इवन बहुत छोटा था और मैं कोई प्रोफेशनली म्यूज़िक नहीं कर रहा था लेकिन मैं कवर्स वगैरह और वो करते करते टेक्निकल साइड ऑफ म्यूज़िक और जो डॉ वगैरह था वो मैं एक्सप्लोर करता था right. तो मुझे लगता था मैं डिवेलपर बन जाऊंगा तो मैं कोई बी एस टीज बना लूंगा, कोई बना लूंगा। क्या होते? So uh, मुझे हमेशा द साइंस बिहाइंड का बड़ा शौक था कि क्या सीन क्या हो रहा है right. वो अलग बात है दैट्स नियर टू इम्पॉसिबल क्योंकि वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स <laughs> दुनिया है मैं कर नहीं सकूंगा right. लेकिन हाँ पता नहीं दिल में एक चीज थी और वैसे भी टेक का शौक था

डिफरेंट एसेट्स स्टॉक्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं जहाँ पर यह टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आया वहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटी हालात ऐसे हैं कि किनमी uh, एक uh, ऐसी जगह पर पहुँची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं हैं और जो करते भी हैं वो नाइन्टी परसेंट लॉसिस अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है सरमाया डॉट पी के जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बसानी देख सकते हैं अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वुड वो डेफिटली जीरो सरमाया फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म इट्स अ रिमार्केबल प्लेस जहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग यू नो रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा भी मिलता है इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी मिलती है और ख़ासकर उनकी ट्रेनिंग्स जहाँ पर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको

आई थिंक उस टाइम पे आ, मैं कुछ लोगों को जानता था जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर्ड था जो जी से ग्रेजुएट हुए थे और कुछ स्कूल के और ए लेवल्स के प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो जैसे कोई साइंस का इवेंट हुआ तो कोई जज करने आया जी जी से है वो right. कोई फलाँ कंपनी का सी ई है तो वो जी की पता नहीं क्यों एक वो चीज़ थी और जब मुझे ये था नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा जब मेरा एक्सेप्टेंस आ गया था ना hmm. फिर वो गेम बदली और फिर थोड़ा उससे पहले आपका जिकी जाने का इतफाक हुआ था नहीं उससे पहले मैंने किया पता फर्स्ट टाइम गया था और फिर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी जो <laughs> येस सर, येस सर। जो यस यस सर सर बम वो आके चार साल कैसे थे मुझे जरा मतलब मैं इवन मुझे आज भी याद है जीकी से पहले मुझे मुझे था कि मैं नस जाऊंगा राइट right. और फिर मैं एनी 1 देने गया <laughs> और फिर मैंने लाइक आई डोंट वांट टू लाइक मैं कहना नहीं चाहता कि कोई यूनिवर्सिटी अच्छी बुरी है मैं जी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता अनफॉर्चुनेटली बड़ा मैं ओपन बोल रहा हूं लेकिन बस वो वहां जाके पहला रियलिटी चेक हुआ था कि दिस इज नॉट व्हाट आई हैड इमेजिन yeah. इंजीनियर की लाइफ बहुत अलग होती है एस कम्पेयर टू लम्स में जो बंदा बीबीए कर रहा है yeah, ऐसा ही है और, और मेडिकल का भी है। में आप जाते हो आप यूनिवर्सिटी इवेंट्स पे जाते हो आप सारा कुछ करते हो आपने वो असल में नहीं होता स्पेशलीर्स right. की वो आपने अपनी दुनिया खुद बनानी होती तो आपकी आप तो कैसी बनी जी uh, आई के अंदर मैं स्पीक टू पीपल फ्राम जी आई के देवेजर इन दिडल कल्चर बड़ा फर्क है बट सम हाउट लाइक ए आर लेकिन जो हमने वहाँ बनाया yeah, yeah. वो मै आई गो बैक सी वो ना पहली तो बात है कि इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड क्यों क्योंकि इवन जब मैं भी पहले दिन वहाँ गया इन द मिडिल ऑफ नो वे मैं रात को सो रहा हूँ खिड़की से पहाड़ नजर आ रहे हैं और मैं लाहौर में रहने वाला बंदा वहाँ गया हूं। और अच्छा खासा दूर पहले मुझे मुझे किसी ने कहा था इस्लामाबाद से बस थोड़ा ही आगे वो थोड़ा ढाई घंटे का रास्ता है हाँ। और जब वहाँ मैं गया हूँ और फिर एक अलग दुनिया और एक अजीब सा भाई कल साइज है पहला दिन है पहले दिन कुेज हो रहा है भाई और बड़ा मतलब अगर आप में सबर ना हो ठहराओ ना हो तो आप मेरे बहुत ज्यादा दोस्त चले गए अच्छा पहले हफ्ते में बहुत लोग चले जाते हैं really? कॉल करते हमसे नहीं हो रहा हमें ले जाओ आके <laughs> पहले हफ्ते में लोग चले जाते हैं एंड दिस इज अ फैक्ट कि या का बैच आता था तो उसमें से अगले साल सेकेंड ईयर में आपको साढ़े तीन सौ मिलते थे अच्छा यस yes, सो so, वो बहुत से रीजंस की वजह से कुछ खुद चले जाते थे कुछ फेल हो जाते थे किसी की डबल प्रोबेशन आ गई किसी के ऊपर आर टी डी सी लग गई वो कॉन्सिक्वेंशली

और फिर आप एक टाइम पे मतलब इवेंट्स भी करा रहे हो वहाँ पे स्टूडेंट सोसाइटी भी मैनेज कर रहे हो पढ़ाई भी कर रहे हो कुज भी कर रहे हो और फिर समवन लाइक मी जो म्यूज़िक भी थोड़ा थोड़ा कर रहे है वो इतनी चीज़ें आप मैनेज कर रहे होते हो ना कि इवेंचुअली आपका आपकी लाइफ बाद में बस आम लगने लग जाती है आपका वर्क एथिक बहुत अच्छा हो जाता है थोड़ा सा आप ज्यादा ज्यादा कामों को मैनेज करने शुरू कर देते हो हम अक्सर ये कहते हैं कि एक जीकेन है ना उसके ऊपर कुछ भी फेंक दो वो कर लेगा क्योंकि हाँ। इतना स्ट्रेस लिया होता है और इतनी इतनी चीजें देखी होती हैं कि एंड पे हम इजी हो चुके होते हैं आई थिंक एक रीजन है फॉर श्योर sure. एक जी हमेशा मैंने देखा बहुत कुछ कर रहा होता है एक टाइम हाँ। तीन तीन चार चार चीजें वो बाय डिफॉल्ट ना एक शायद वो बन जाती है अपने अंदर एक एबिलिटी बन जाती है एंड देन अगेन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक अमीर गरीब कोई पंजाबी पठान सारे एक जगह पे रह रहे हैं सबका सेम हॉस्टल रूम है हाँ वो अलग बात है आप सजाते है किस तरह उसको जगह एक ही है सबकी राइट ठीक है और आप पूरे पाकिस्तान से हर किस्म का बंदा आपके साथ सेम स्टैंडर्ड पे

Um, और यूनिवर्सिटी के बॉयज खास कर हॉस्टल बॉयज जो होते हैं वो बॉयज़ होते हैं राइट बॉयज़ बॉयज़ आज आप हो गए हैं पॉपुलर <laughs> आपका <laughs> सीन हो गया है क्या डिफरेंस आया उस रिलेशनशिप के अंदर यू नो दे दे मीट यू वन दे सी यू क्योंकि बड़ा फर्क होता है यार वो yeah. uh, और खासकर मैं ये देखता हूँ कि जब आप जब आप एक दफा इस पॉइंट पे आ जाते हैं ना देन मेकिंग न्यू रिलेशनशिप्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट

कुछ लोग होते हैं जिनसे जिनके साथ आपका एक ब्रीफ ताल्लुक होता है हाँ। एक तो होते हैं आपके अच्छे दोस्त चड्डी बड्डी आपके वो हाँ। तो आप उन्होंने आपको हर तरह देखे आप मशहूर हो जो मर्जी हो उनको डेढ़ का फर्क नहीं पड़ता वो आपको वही गाली देके व्हाट्सएप करेंगे एक हाँ। सही है एक तो वो नस्ल होती है एक नस्ल होती है जिनसे आपकी ब्रीफली ताल्लुकात है लेकिन यही नहीं है कि रोज इन टच रहेंगे या कुछ मसला वहां आता जब वो लोग फिर जब वो लोग आते हैं hmm. ना कि यार हाँ भाई कैसे है और ये वो फिर आपको पता लगता है कि यार ये जन्मन नहीं है हाँ. ये ये चीज वो है कि मतलब आप ये देख रहे हैं तो अब ये ही टू टॉक टू मी मुझे वो चीज थोड़ी सी बॉदर करती है प्यार अपना एक तरफ और वो जब मैं अगर जी की भी गया हूँ तो मुझे बहुत प्यार वो सब मिलता है बिल्कुल और मैं सबके साथ मेरी कोशिश होती है कि सबके साथ अच्छा रहूं हाँ. लेकिन दिस स्टेज इन माई लाइफ ना इसीलिए भी मैं जरा अपने केव में रहना पसंद करता हूँ आपको पता ही नहीं चलता कि हु इज एक्चुअली देर फॉर यू

अगर मैं उसको एज अ डिग्री बोलूँ ना इट कैन बी स्ट्रेसफुल, इट इट हैज इट्स यू नो और मैं क्यों उस वक्त शुरू में ये बात कर रहा था कि मैं शायद किसी यूनिवर्सिटी को अभी पूरी तरह इंडोर्स नहीं करता बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी आर्टेक है आउटडेटेड है और है। like, I, I really yeah. space, science, बहुत ज्यादा मसले हैं वो वो चीज़ जो है ना उसके साथ अक्सर लोग अपनी वो अटैच कर देते हैं इमेज के यार कंप्यूटर साइंस तो ये है और मैं इसीलिए भी मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बताऊं कि यार कंप्यूटर साइंस एक बहुत प्यारी दुनिया है डोंट गो फॉर द ऊप दैट यू स्टडी इन यूनिवर्सिटी या कोई एलगोरिदम जो आप पढ़ रहे हो असल में एक बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है और हमारा एजुकेशन सिस्टम ना थोड़ा सा डिस्करेजिंग है एट सम पॉइंट्स आपको फील होता है कि यार ये है कुछ यू नो आप पढ़ पढ़ भी रहे होते हो तो दस में से कुछ तीन या चार ऐसे उस्ताद आपके होंगे या दो होंगे जो आप जिनसे इंस्पिरेशन लोगे और कहोगे यार ये क्या ज़बरदस्त बंदा है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी नॉलेज पी एच डी प्रोफेसर होंगे आता सब कुछ होगा डिलीवर हाँ, नहीं कर पाएंगे हाँ, जब वो डिलीवरी नहीं होगी ना तो आप मोटिवेटेड ही नहीं फील करते हाँ, और ये काफी ऐसे होते हैं आपने तो देखे ही नहीं फील्ड में गए ही नहीं हो तो एग्जैक्टली यही है मेरी डिग्री भी ऐसे कुछ प्रोफेसर ऐसे है जिनके साथ मैं आज भी बात कर सकता हूँ मुझे बहुत कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो दिल के करीब हैं कुछ सब्जेक्ट्स कुछ कुछ ऐसे हैं कि मतलब प्रोफेसर्स की वजह से मुझे उस सब्जेक्ट से नफरत हो गई मैं आज भी मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो जो मैंने वो पढ़ा है ना वो हेल्थ जो मैंने बता है।, है मैं कर ही नहीं सकता वो खराब हो चुके हैं मेरे लिए व्हाट्स योर इंटरेस्ट एरिया विद इन द कंप्यूटर साइंस पे सो जो मैंने चार साल पढ़े वो एक तरफ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया था और मैंने मुझे ना हमेशा से वैसे यू आई यू एक्स का शौक था द विजुअल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग और उसमें या मैं डिजाइनर बन सकता था या मैं फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकता था hmm. मुझे शौक था ऑल्सो द टेक्निकल साइड एंड लिटल बिट ऑफ द विजुअल जो एस्पेक्ट होता है यू एक्स यू आई सो तीसरे साल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने फ्रंट एंड इंजीनियरिंग सीखनी है प्रॉपर hmm. और मैंने तीसरे साल में

तो लोग समझते ना चार साल की डिग्री कर ली यार ये या अभी कहाँ मैं यूज करूंगा तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि यार डिग्री में इतना नहीं है जो फील्ड में यूज वो असल में शायद आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन है खुद आप करोगे तो आपको

क्योंकि ए, एक बड़ा मज़े का इंसिडेंट हुआ था मैं अपने ऑफिस के कलग्स के साथ ही था अभी एमस्टरडेम में लाइक यार ये ये आर्टिस्ट मुझे बड़ा पसंद है इसके 1.5 मिलियन मंथली लिसनर्स हैं तुम्हारे टू थ्री थ्री मिलियन मंथली लिसनर्स है तो तु, तु, तुम क्या कर रहे हो यहाँ <laughs> 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 तो खैर मतलब ऑब्वियसली डायनामिक्स वर्क होते हैं फॉर मी आई थिंक मुझे कोडिंग भी पसंद है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग मुझे बहुत पसंद है और मैंने एक सेल बहुत किया है उसके अंदर मैं मुझे लगता है कि आई डू अ गुड जॉब आई कैन डू अ गुड जॉब ओके जॉब कह लो चलो <laughs> जो भी कह, कहते हुए अच्छा नहीं लगता लेकिन वो एक ऐसा स्किल है जो मैंने प्राइमरिली डिवेलप किया था और म्यूज़िक एक साइड हसल थी जो कि आप कब मैं सोच सोच में होता है कि शायद कभी इतना ऊपर चला जाएगा लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि फॉर और मैं इतनी मेहनत इसमें करूँगा हाँ. मैं इस पॉइंट पे पहुंचूँगा मेरे इतने मिलियन मंथली लिसनर्स होंगे ये वो उस तरह तो ऑब्वियसली मैंने नहीं सोचा था तो प्राइमरीली मेरा करियर ही चल रहा था और मुझे जॉब ऑफर्स भी अच्छी आ रही थी और वो सब फिट चल रहा था और ये दिस था जूँगा जूँगा नहीं, था? नहीं 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 वो, वो भी एक अलग पूरी स्टोरी है वो जॉब इन पाकिस्तान और उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाई थी कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में सारी कंपनीज बुरी हैं बट

आप यकीन करें कि मेरे, मैं मेरे साथ के जितने लोग वहाँ पे हायर हुए थे वर टॉपर्स फ्राम लम्स टॉपर्स फ्राम फास्ट ऑल दीज बिग यूनिवर्सिटीज़ जिनको पता था कि जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है हमारा काम गलत है या हम पुरानी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं है सब पता है हाँ. लेकिन दिल में एक फ़ियर है कि भाई जॉब नहीं छोड़ सकते हाँ. और मैं आई वुश द ओनली वन जो मैं समझाता था कि यार डो यू इवन नो वॉट योर पोटेंशियल आप एक ए आई इंजीनियर हो ठीक है डेटा साइंस इंजीनियर हो आप गूगल जा सकते हो हाँ सही है वो मैंटेलिटी और वो डर खौफ यूनिवर्सिटीज का ऐसा बैठा होता है ना कि आप कहते हो कि बस यार अब मेरी जॉब लग गई है अब सी वी पे अच्छा नहीं लगेगा दो तीन साल तो मैंने यहाँ गुजारने ही गुजारने हाँ उस दो तीन साल में आप ऐसे मारे जाते हो कि आप ना दोबारा कभी हायर होते होव द रेलिट एक्सपीरियंस राइट और आपको जो आता है वो भी आप भूलने शुरू हो जाते हो सो so, ये भी एक हमारा काफ़ी बड़ा अफसोसनाक हाँ मसला है हाँ तो खैर मैंने खैर कर लिया था रिलैक्स तीन महीने के अंदर ही मैंने देख लिया था कि इधर तो यू यू स्विच्ड या यू लेफ्ट योर जॉब एंड देन स्विच्ड आई इमीडिएटली स्टार्टेड अप्लाइंग एल्सवेयर और मैंने जो अप्लाई किया है वो काइंड ऑफ लाइक अट्ट अगेन अ मेच्योर स्टार्टअप जो कि सर्विसज दे रहा था नॉट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वाला नहीं था राइट तो उसमें न वो अच्छा सीन इस तरह से था कि एक तो आई गॉट टू नो यूज द मोस्ट लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज या टाइप स्क्रिप्ट वगैरह जो सबसे नई फ्रंट एंड था स्टैक हाँ था, था वो मैं यूज कर रहा था right. और अटोनमी right. वो भी पाकिस्तान में थी, में थी बट उनका फुटप्रिंट कनाडा, यूएस वगैरह में भी। तो इंटरेस्टिंगली उधर फिर मुझे बाहर के कुछ प्रोजेक्ट्स आए राइट right. और जिनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ वो, वो क्लाइंट तो वो, वो भी थे और right. uh,

So this current one is based out of Berlin? It's uh, based out of Amsterdam. It's based out yeah. of Amsterdam. Did you ever think about relocating to uh, Berlin or Amsterdam? I did or? relocate to Berlin. How for how long? For four months. Bikra, or popularity or and so you reverted your relocation? I went there. I stayed there for like four months and okay. then I came back because I thought pe values are there. और म्यूजिक इतना ज्यादा वो हो गया था शोज बहुत ज्यादा शोज़ की क्यूरीज़ आ रही थी एंड हाँ। मैं हर महीने एक चक्कर लगा रहा था पागलों की तरह इट वाज रियली मैंने खैर इस पर बहुत डिटेल में भी पहले बातें की हुई हैं आई गॉट ऑफर फ्रॉम बर्लिन मेरा सारा फंड कर रहे थे पूरा ट्रैवल इन एवरी सिंगल थिंग एज एन इंजीनियर वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है स्पेशली हाँ। कंसिडरिंग क्या मेरा वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ डेढ़ साल का था शायद डेढ़ साल में ये चीज़ अचीव करना जनरली एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि इंजीनियर्स को चार या पाँच साल आप अप्लाई भी करने जाते हो तो वहाँ लिखा होता है कि थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या फोर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बट आई वॉज लकी इनफ और वो जॉब मुझे जब ऑफर हुई थी तो उस टाइम पर शायद बिल्कुल रिलीज ही किए थे ये गाने और उस तरह नहीं था कि यू नो म्यूजिक हो रहा है और यू नो आई हैव टू स्टे इन पाकिस्तान डू डू म्यूज़िक ये वो वो, वो सीन नहीं था तब भी अगर मेरे थोड़ा बहुत लोग रीच आउट करते थे तो वो कहते थे मुफ्त परफॉर्म कर लो हाँ। आपके एक्सपोजर मिलेगा मैं कहता था मैं मुफ्त तो नहीं करूंगा हाँ। तो उसके बीच में ये सारा साथ साथ चलना शुरू हुआ आई वॉज एक्साइटेड नो कि मैं जा रहा हूँ खत्म है और साथ साथ ये साथ साथ उभर रहा है और नर्चर हो रहा है और शोज और ये वो वट नॉट फिर दिल पे पत्थर रख चला गया मैं वो इतनी आ रही थी एंड फर्स्ट टाइम वेंट टू पाकिस्तान फ्रॉम बर्लिन बहुत मजा आया मुझे क्योंकि right. मैंने पहला शो किया अपना टिकट रेड और यू you नो know, एक वो लोगों को देखा लोगों का रिस्पॉन्स देखा लोगों ने कहा तुम क्यों जा रहे हो तुम पागल हो जस्ट स्टे यू नो लाइक यू यू आर अ बिग थिंग नाउ इवन तो मुझे तब भी यकीन उस तरह नहीं होता बट आता आहिस्ता इमेंशली रियलाइजेशन हुई थी कि नहीं आई थिंक यहाँ पे पोटेंशियल है तो फिर खैर मेक सेंस म्यूजिक की बात करते हैं तो yeah. um, uh, एक स्टोरी होती है कि यार मैं छः साल का था तो मैं यू you नो know, ड्रम्स बजाता था टाइप तो वट वॉज इट स्टोरी काफ़ी बेसिक वही है मैं बचपन से ही मतलब गाने शाने का शौक था ये कहाँ से आ रहा था ये फैमिली से आ रहा था या आई थिंक इसमें वैसे तो मेरे दूर आ, दूर तक नस्लों में कोई गाने वाला नहीं है लेकिन right. ये है कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा थी राइट right. बचपन से ही ना बहुत डाइवर्स किस्म की लिसनिंग थी आई mm. थिंक वो आपका एक सेंस डिवेलप होती है उससे और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई नेचुरल सिंगर था और मैं बचपन से बहुत अच्छा गाता था बट मैं गाता था डू यू थिंक सिंगिंग सिंगिंग वॉइस इज़ दैट नेचर और नर्चर ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ थोड़ी सी जेनेटिकली आपको फैमिली के अंदर से कहीं ना कहीं आ रही है आवाज कुछ और लोग तो बहुत ब्लेस्ड होते हैं जो मतलब देर पिच परफेक्ट विदाउट इवन डूइंग एनी ठीक right. है कुछ लोग होते हैं दे हैव टू वर्क फॉर इट बट यू स्टिल नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ सेंस मुझे ऐसा लगता है मैं ये नहीं कहूँगा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने भाई की बात करूँ आप उसको तीस साल भी लगा लेना <laughs> नहीं, <नुगाना> नहीं सीखेगा <laughs> पेरेंट राइट आई सी अराउंड मी एंड एवरीबडी इज जस्ट एक रेस लगी हुई है कि पियानो सिखाना है वायलिन सिखाना है ये सिखाना है और मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें तो बच्चे सीख जाएंगे बट वर्बाउ आवाज़ क्या आवाज़ का कोई ट्रेनिंग हो सकती है या हिटर में से है अगर होगी तो होगी नहीं होगी तो देखिए करने को आप कर सकते हैं आप उस्ताद भी लगा सकते हैं सब कुछ कर सकते पड़ते हैं पड़ता है उससे बिल्कुल पड़ता है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नर्चर होगी आवाज़ मसला सारा ये है ना कि मेरे दोस्त थे जो स्कूल वगैरह में जिनको जो एक ट्यूटर्स अफोर्ड कर सकते थे गिटार ट्यूटर ये वो मेरे पास गिटार नहीं था पर मैं आई वॉज क्रेजी अबाउट इट ठीक है जैसे तैसे करके जब मैंने लिया तो मुझे पागलों वाला क्रेज था कि मैंने ये सीखना है अगर मैंने उन लोग दोस्तों को भी देखा जिनको घर वालों ने ट्यूटर लगा के दिया सब किया पैसे लगाए सब किया बट नहीं सीखे वो आप थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिसने सीखना है वो इवेंचुअली उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा उन चीजों को फिर अपने हिसाब से सीखेगा क्योंकि कॉन्टेंट तो इट्स आउट देर एंड ऑफ दीज Were 96 born yeah um growing up who were the list, like singers that you listen to western sun rahe the pakistani sun rahe the main exactly i think ye bhi bahut important cheez hai main sab kuch sun raha tha acha so like my dad used to even listen to metal acha अच्छा? and like, you know what sort of metal like हर किस्म का metal मुझे तो याद भी नहीं Led Zeppelin, अच्छा? Metallica, आपका Ozzy ऑसबॉर्न मतलब वो चीज़ें जो एक normal uncle नहीं सुन रहे ठीक <laughs> है वो सब सुन रहे थे फिर उसके साथ साथ ईड ऑल्सो एंड क्लासोर एंड क्लासिकल म्यूजिक पाकिस्तानी म्यूजिक और इंडियन मतलब हर किस्म का फुल डाइवर्सिटी सो मेरा भी वही सीन था हाँ। मैं मुझे याद है बचपन में भी मैं एक कभी पिंक फ्लोइट सुन रहा हूँ कभी कोई करते करते कोई ना कोई गजल सुन रहा हूँ बहुत ज्यादा डाइवर्स था पॉपी था पॉपी था पॉपी था हर किस्म का म्यूजिक था कंधे इंडियन म्यूजिक हर एवरी सिंगल थिंग बहुत कंज्यूम किया म्यूजिक बट एट वट पॉइंट डज एक बच्चे का होता है ना कि आई फील एक छोटा होता है बच्चा तो हर बच्चा ही बाथरूम में गा रहा होता है राइट hmm. right? और कहता है इस दिमाग में रखता है कि <laughs> मैं सिंगर बन जाऊँगा खासकर मेरी when i was growing up and i'm sure you you had very similar times as well aatif aslam ka aadat was a thing yeah um and left right har bachcha jo hai na wo surrne gaane woh wish kar hota tha na ek aur wo cricketer ban <laughs> aatif hi nikalna hai ab kuch yeah, aur nahi yeah. right but there has to be something because 99% of the kids feel like that then they go out there then they sing then someone makes fun of them and then they revert back and they never sing again um डिड यू हैव अ मोमेंट मे बी लाइक अ स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बिकॉज मैंने ये भी बहुत ज्यादा देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जिनको मेरे इर्गर्द के फ्रेंड्स वगैरह थे जिन इंसेनली टैलेंटेड बट वो यू नो लार्जली बस वो हाई स्कूल सिंगर पे ही रहे वो कभी उसको मेचोर नहीं कर पा पाए उनको वो मोमेंट्स मिले भी टिक मार्क के जिससे शायद वो वैलडेशन लेके वह बहुत आगे जा सके थे बट दे बट एवर यूल टू कन्वर्ट दमसेल्स फ्राम um ordinary to extraordinary hmm. uh, so what were some of those moments for you i think mujhe honestly agar main bachpan dekhu mujhe validation kabhi nahi mili honestly Yeah, mujhe to mai ye zarur kahunga and i feel like it's it's a necessity if you want to like survive in this industry or you want to grow and generally being life आप कभी भी एक अच्छे गायक अगर या singer हो, you can still not be successful if you don't know the other side of things कि USB लिया, मैंने उसको एक्सप्लोर किया मैंने प्रोटूल्स इंस्टॉल किया मैंने आपने भी यही किया होगा हाँ. आपने ये रोड का माइक लगाया खुद चीजें एक्सप्लोर की कैमराज एक्सप्लोर एंड यू लर्न थिंग क्यूरियस फेज़ ऑफ़ योर लाइफ और ऑब्वियसली मुझे शौक भी था गाने का तो मैं बिल्कुल फजूल फजूल गंदे गंदे कवर्स ही रिकॉर्ड कर लेता था बट इन डूइंग सो मैं सीखा बहुत और uh. वो बस मुझे उस चीज़ का मजा आ रहा था मैं मतलब कवर्स भी अगर रिकॉर्ड करूँ गिटार रिकॉर्ड करूँ पकड़ के या मैं कोई यू you नो know, ई क्यूइंग करूँ कंप्रेशन करूँ उस टाइम पर तो वो भी बड़ी चीज़ थी, थी कि यार मैं कुछ सीख रहा हूँ नहीं था कि लोग कहते थे वो तुमने क्या कर दिया वो बस एक दो लोग थे, <laughs> थे, तो वो, वो लेकिन हाँ शौक बहुत ज्यादा था right. मुझे ऐसे लगता है कि लाइक विद दिंग राइट जितनी भी ये अलग चीजें ना उन्होंने ज्यादा फायदा दिया है सो इन देंस कि आज अगर मैं गाना लिखने बैठता हूँ तो मेरी मेलोडिक सेंस बहुत अच्छी हो चुकी है क्यों क्योंकि मैंने शायद गिटार को उस तरह सीखा है या मैंने म्यूजिक बनाना उस तरह सीखा है तो वो ऑटोमेटिकली उसने मेरी सिंगिंग इम्प्रूव कर दी पैकेज बेसिकली आपका परफेक्ट होना शुरू एग्जैक्टली yeah, exactly. अब जब आप वोकल्स प्रोसेस करते हो या एडिट करते हो तो यू नीड टू हैव सम सेंस ऑफ हैिच जो शायद एक बच्चे में नहीं होती वो कर uh. करके कर वो पिच की सेंस बनना शुरू हुई right. और फिर यू नो बस वो ट्रायल एंड एरर अब आज भी मुझे इस चीज़ का ज्यादा फायदा है कि आई नो मोर सिंगर्स होंगे बहुत talented, हाँ. लेकिन अपने उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी स्टूडियो ओनर या कोई भी आपको ऐसे नहीं कहेगा आज हो तुम मैं स्टार बनाता हूँ हाँ. एंड पे आपको खुद ही बनाना है मेक सेंस ग्रोइंगली फोकस्ड ऑन योर ओन थिंग आप आहिस्ता करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हुँ, हुँ. Um, सीख रहे थे. Yeah. वॉट और यूनिवर्सिटी वगैरह में आके um, well, हाँ, में, uh, में भी हम लोग ना मतलब वो था कि बस हर चीज़ एक्सप्लोर करनी थी हाँ, कोई लम्स म्यूजिक फेस्ट हो रहा है उस पर भी जाना है right. कोई कॉम्पिटिशन कोई हो रहा है सिंगिंग का ये वो बस जाना है मतलब यू you नो know, बस शौक था और फील्ड right. felt like I belonged in the music space somehow even though वो एक कल्यूजन ही था लेकिन बस होता था वो और वो मैं हमेशा से खुश होता हूँ इस चीज़ पे कि मैं इस तरह फील करता था और कोलैबोरेट करने के भी एक शौक था शुरू में आपको ना जब आप एक यंग म्यूजिशियन होते हो ना आपको बहुत होता है कि यार मैं जैम करूँ या मैं और फेलो म्यूजिशन के साथ बजाऊं वो शौक भी था तो फिर आप दूसरों के साथ थोड़ा बहुत प्ले करते हो कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं तो फिर आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव मिलता है ए लेवल्स में जब मैं था तो आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूज़िक सोसाइटी तो बीइंग इन दैट पोजिशन आपको बहुत प्रस्पेक्टिव और एक्सपोजर एक्सपोजर मिल रहा होता है आप शोज़ बजा भी रहे होते हो जा भी रहे होते हो इधर उधर तो आई थिंक उस सब का भी रोल होता है पर ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप आपको बस बैठे बैठे मिल जाएंगी ऑफकोर्स आपको हाथ पैर तब भी मारने होते हैं आपको वो शौक या आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए तो फिर आपको एक्सपोजर भी उस हिसाब से विद टाइम मिलता है मुझे ये बताएं कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की शौक और जज्बे की um, पाकिस्तान में ग्रोइंग अप एंड आई आई वाज वुड स्पीक टू म्यूजिशंस डेट बी लाइक है यू नो पाकिस्तान में तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है पाकिस्तान में तो कोई वो नहीं है बस म्यूजिशन इतने फिट हैं सारा कुछ कर रहे हैं हमें कोई पूछता नहीं है अच्छा काफी दफ़ा जब उन आप देखते थे तो देवर जस्ट कवर म्यूजिशियंस जो hmm. कि चार पांच गाने उन्हें रटे हुए थे और वो उससे आगे नहीं जा yeah. सकते थे yeah. um, काफ़ी दफ़ा आप उनको देखते थे कि जो जो एक एक फिननेस होता है ना hmm. वो आपको नहीं मिलता था आई ट्रैवलिंग डिफरेंट कंट्रीज़ में खासकर वेस्ट में आप जाते हैं तो आप चलते फिरते जो आपको सड़क पर खड़ा म्यूजिशन होता है ना बहुत टाइट होता है वो <laughs> वो होता है वो. वो yeah. आपका अच्छा अच्छा पाकिस्तानी म्यूजिशियन yeah. उसके yeah. आधे पे भी नहीं पहुंचता 100% यस yes. या yeah. और फिर आपको पर्सपेक्टिव मिलता है कि यार ये हमारे तो एफर्ट ही नहीं डली भाई hmm. वो बेचारा चवनियों के लिए लगा हुआ है hmm. कि उसको hmm. कोई कहीं डिस्कवर कर ले फिर वो वोचारा वो फ्री की सीडीज दे रहा होता है वो लिटरली hmm. वहां पे बैठा हुआ बट पाकिस्तान में देयर इज समहाउ खासकर एक 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 सट ऑफ Levels वाली पर मिडिल क्लास क्राउड जो है वो जाते हुए है, कहते हैं कि यार बस रॉक स्टार बन जाऊँ यू नो कुछ mm -hmm. ज्यादा करना ना पड़े मैं एक चीज़ वायरल हो जाए मैं रॉक स्टार बन जाऊँ yeah. um, एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए आपको दस हजार घंटे उसको करना होता है देर यू है sing and perform and produce for hours upon hours upon hours before the products that eventually worked worked some people are lucky enough to have the absolute right experience mm -hmm. um, at a very young age um, relevant experience i would say um, in my case

कुछ लोग होते हैं जो, जो, जैसे घराने वाले होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सीखा जो पीछे से मतलब एक पूरी लेगेसी चलती आ रही है उनको फिर बहुत यंग एज में राइट और रेलिवेंट एक्सपीरियंस मिल रहा होता है तो हाँ। उनका स्किल जो है ना वो तो नर्चर हो ही हो रहा होता है राइट वो शायद एक एवरेज आ, पाकिस्तानी किड वो यू नो you know, उसकी किसी की फैमिली में अगर कोई नहीं, नहीं है जो कि एवरेज पाकिस्तानी किड है उससे आगे ही होगा वो डिफरेंस यहाँ पे आता है कि आपने अपना गला नर्चर कर लिया सीख लिया सब कर लिया उसके कुछ चैनल कैसे करोगे आप सो नाउ दैट इज अम्पलीट न्यू नो मैं बात कर रहा था कि यू नीड टू लर्न टू बी एबल टू चैनल इट के यूटू देट यू नीड टू हैव द राइट टूल किट जिससे आप उसको चैनल कर सको आप अगर एक कवर आर्टिस्ट हो यू कैन ओनली गो सो फार राइट

क्या नाम था सिल्वर स्टोन प्रोजेक्ट नाम था उसका <laughs> और वो वो म्यूजिक सोसाइटी बैंड जैसे होता है वो था और कॉम्पिटिशन में भी गए हैं और मतलब हॉरेबल नो <laughs> लाइक कोई ज़ीरो प्रोडक्टिविटी और बस लेकिन किया है बस right. हाथ पैर हैं काफ़ी वो किया है उस उस शौक से गुजरे हैं

इन्वर्जन कब आई थी कि यार मैं अब एक हॉबी एक रैंडम आर्टिस्ट जो कि अपने दोस्तों यारों को पता है कि ये अच्छा गाता है ये उसके साथ खेलता रहता है आ, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसने करियर अपना बनाया हुआ है वो एक किस पॉइंट पे उसने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, आई विल राइट माय ओन सॉन्ग आई रिकॉर्ड इट आई रिलीज इट एंड व्हाट वाज दैट स्टोरी लाइक हाउ डिड इट कम अबाउट कि वो क्या आपके साथ हो रहा था और किस फीडबैक की बेसिस के ऊपर आपने उसको परस्यू करना शुरू किया ठीक है सो so, जिकी में तो मैं यही था कवर आर्टिस्ट ही था हम शुगल में अपने हॉस्टल रूम में मैं और जो शामिर आप मिले थे तो हम कुछ ना कुछ बनाते रहते थे जस्ट फॉर यू नो फन एंड यू नो परफॉर्म करते थे हल्का फुल्का ग्रेजुएशन के बाद एक तो दो हजार बीस पेंडेमिक गंदा टाइम रिमोट एग्जाम्स एंड देन इमीजिएटली रिमोट जॉब राइट वियर्ड कन्फ्यूजिंग स्टेट जिसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा यू नो लाइक बाहर भी हाँ। नहीं जा सकते आप आ, काम भी आप सोचते हो कि यार मैं अभी निकलूंगा यूनिवर्सिटी से मैं एक वाइट कॉलर जॉब करूंगा मैं कहीं जाऊंगा ऑफिस में बैठूंगा मेरे दफ्तर में ये होगा वो होगा आपकी एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती हैं जो कि सब कुछ हो ही नहीं रहा हाँ। होता हाँ। आपके तो ये ये है ये तो ये तो मैं ऑनलाइन जैसे पढ़ता था वैसे ही है ये तो उसके बीच में आई थिंक वो फेज थोड़ा सा इस तरह का था कि बड़ा डल और डिप्रेसिंग था और समझ नहीं आ रही थी कि यार इस फ्रस्ट्रेशन को कैसे किसी तरह चैनल करूँ मैं तो शामिर जो कि हमेशा से मतलब काफ़ी साथ रहे मेरे हर एंडेवर में तकरीबन तो उसने वो ना मुझे गाने भेजा था कि यार ये देख ये बंदा भी निकाल रहा है ये देख इसको दे तू अपने आप को ज़ाया करे यार तू क्यों नहीं कुछ निकालता कुछ बना हम मिल बनाते हैं ये वो मैंने कहा बात तो ठीक है फिर जब ये थोड़ी और इंटेंस होती गई कि मैं तंग होने लग था घर पे और मैं ऑफिस भी नहीं जा रहा था फिर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि यार अच्छा कुछ लिखते हैं कुछ बनाते हैं बन भी गया ना तो भी आई वाज लाइक आई थिंक आई आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल रिलीजिंग दिस आई एम नॉट रियली थिंक आई डोंट रियली थिंक इट्स गुड इनफ तो फासले मेरा पहला गाना था और आई ओवर थाट अलॉड मैं तो बिल्कुल आई वॉज ऑन ऑफ नॉट रिलीजिंग इट अच्छा बट देन

Uh, और, और रिलीज तो कहाँ पर हुआ था ये मैंने इंडिपेंडेंटली बस एक डिस्ट्रो पर डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने लाइक देर वॉज किस तरह मतलब साउंड uh, क्लाउड पे या नहीं 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 सो साउंड क्लाउड इज अ सर्विस जहाँ पे आप गाने जाके कोई भी अपलोड कर सकते हैं म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन हाउ डज इट वर्क सो इट बेसिकली सर्विस होती हैं लाइक डिस्ट्रो गेट सी डी बेबी क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली विदाउट अ लेबल क्योंकि लेबल्स की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसज होती हैं मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ

so basically you you identify yourself as an independent right. artist and by independent ये बड़ा एक मशहूर टर्म है इसका मतलब होता है कि मेरे पीछे कोई फाउंडेशन नहीं है कोई लेबल नहीं है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मैं अकेला हूँ ठीक है सो यू आर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट today if you decide सो टूडेड जिसके through मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं उसके through नहीं मैं किसी थर्ड पार्टी के through कर देता हूँ तो वो सारी कैटलॉग आपकी रिमूव होगी और फिर से जाएगी सो so इधर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैच है labels aapko बहुत लॉलीपॉप सिखाते हैं <laughs> कि जी आप आ जाओ हम आपकी पुरानी कैटलॉग भी ख़रीद लेते हैं या आप हमसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो यूल गेट अ कार्ड ब्ला ब्ला सो इट्स इट्स वेटी फ्लेक्सिबल इफ यू वांट यू कैन सेल आउट योर ओल्ड कैटलॉग यू कैन वर्क ऑन न्यू म्यूजिक विद लेबल्स और वो आपको फंड करेंगे लेबल्स Lab का बेसिकली बिजनेस मॉडल्स इज वेरी सिम्पल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दे जस्ट गिव यू अ बंच ऑफ मनी इन एडवांस जिसमें आपकी सॉन्ग राइट फी, फी होती है आपके म्यूजिक वीडियो का बजट होता है एंड समिशनल एक्सपेंसिस एंड देली टेक योर रॉयल्टीज इज यली मैंने जब शुरू वाला पहला गाना भी किया था इंडिपेंडेंटली रिलीज किया था विध जीरो वो अलग बात है कि उसके बाद थिंग थिंग्सारैट सो उसके बाद इंटरेस्टिंगली मैंने आई थिंक पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा अपना प्रोफाइल पब्लिक कर दिया था छः सात सौ फॉलोअर्स थे मेरे कोई भी नहीं जानता था और आ, बस मैंने डाला है और द नेक्स्ट थिंग आई नो कि लाइक like, लोग शेयर कर रहे हैं अपनी स्टोरी के ऊपर रीपोस्ट कर रहे हैं और इन्फ्लुंसर्स रीपोस्ट कर रही हैं रैंडमली रैंडमली लाइक कुछ दोस्तों से आगे गया 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 एंड देन किसी ने सुना कि यार एक गाना आया है एंड बस चल रहा है हाँ और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया मतलब दस पंद्रह हजार व्यूज आए पहले दस पंद्रह हजार बहुत बड़ी बात हो गई दो सौ तीन सौ एक्सपेक्ट भाई, भाई, क्या हो गया ना मतलब तो आई थिंक वो इट वॉज फर्स्ट स्पाइक ऑफ एनकरेजमेंट और वोट तो वो पहला स्पाइक तब आया था और लोगों ने बड़ा तब भी प्यार दिया बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे बट जितते थे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो वो इनक्रेजमेंट साइकिल वेंट ऑन और फिर मैंने एक और गाना लिखा उस पर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया फिर तीसरा गाना मेरा हारे था उसमें थोड़ा सा और मतलब चीज़ें बदलना शुरू हुई मतलब

कौन है mm -hmm. ये क्या बन रहा है पाकिस्तान में कि बात ये थी थी मेरी मेरी कोई लाइफ भी आउट देर नहीं थी। like मेरी कुछ पोस्ट थी गूगल थी थी ना का भी पता है भी ना कुछ ये कौन है ये से और ये स्पॉटिफाई के ओरिजिनल प्लेलिस्ट में क्या कर रहा है राइट सो जब मैंने फास्टली डिस्ट्रीब्यूट किया था तब स्पॉटिफाई नहीं आया हुआ था राइट उसके सिक्स या सेवन मंथ्स बाद आया था स्पॉटिफाई ऑफिशियली लॉन्च इन पाकिस्तान कुछ इस तरह टाइम लाइन थी मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद बट देट द फर्स्ट टाइम वो अलग बात है जब मैं उन्हें मैं लोगों को कहता था डाल दूँ तो मेरा गाना किसी प्ले लिस्ट में तो लाइक like, वो मुझे उस तरह वो नहीं था कि कोई मुझे कह रहा हाँ हम डालते हैं मुझ कोई मतलब आई थिंक हारे तक भी इवन दो हारे स्टार्ट टू बिकम पॉपुलर किसी मुझे क्यूरेटर्स ने रीच आउट नहीं किया था ना ही कोई मेरा गाना डाला था इट थिंग स्टार्टड टू चेंज आफ्टर गुरूर एक गाना मेरा आया था उसके बाद वो प्ले लिस्ट में पहला आई थिंक फ्रेश फाइंड एक प्ले लिस्ट थी उसमें गाना आया था तो थोड़, थोड़ा सा लोगों को पता चलना शुरू हुआ था एंड देन फिर इवेंचुअली इट बिकेम अ थिंग इंटरेस्टिंग पार्ट इस सब में ये है इवन जब मैं बर्लिन भी जा रहा था और वो सारा कुछ चल रहा था स्पॉटिफाई लॉन्च उन दिनों खैर अब कि बिखरा भी निकल गया राधे और ये सारे तीन चार और गाने आए उस टाइम पे इंटरेस्टिंगली एक नई चीज़ लॉन्च हुई थी वॉज चार्ट्स राइट पाकिस्तान में पहली बार आया था और आई थिंक पहली दफ़ा या दूसरी दफा चार्ट आए थे और उसमें पसूड़ी वॉज ऑन सेकेंड एंड बिखरा वॉज ऑन फर्स्ट इस तरह करके कुछ एंड थिंक द सेकेंड या थर्ड चार्ट जो आया था huh. जो कि मैं खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था टू तो बी ऑनेस्ट वहाँ से चीज़ें काफ़ी चेंज हुई क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान ने लोगों ने फिर इस तरह की बातें शुरू की कि जी पसूरी ओवर और ये वो <laughs> और <laughs> तो 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 दो इस तरह की <laughs> वो फिर ऑब्वियसली मीडिया स्टार्ट्स कमिंग इन एंड इट रियली बिकम्स इवन दो आई डोंट रियली सपोर्ट दैट मुझे वो चीज वो एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता बट वो एक आई थिंक वो फ्यूल हो रही थी कुछ स्नोबॉल इफेक्ट स्टार्ट हो गया उसके बाद मुझे ये बताएँ म्यूज़िक वीडियोस आपने कब करना शुरू किया फिर एंड हाउ डिड हाउ इज़ ऑफ म्यूज़िक वीडियोस म्यूजिक वीडियोस तो ऑनेस्टली आज भी अगर आप मेरी कैटलॉग देखें तो आपको बेरली कुछ ज़्यादा कंटेंट इतना मिलेगा नहीं um, बहुत कैजुअल और रैंडम जैसे बिखरा हमने एक बस निकले और हमने बना ली यू you नो know, ऐसी और उसको फिर एक वीएफएक्स वाले बंदे को दी उसने थोड़ा सा उसको विजुअली बेहतर कर दिया एंड देन इरादे वॉज़ वन सॉन्ग जिसमें ना मतलब जब मैंने वो हम सुना भी था ना पता नहीं वो मेरे दिमाग में शुरू से था कि क्या होना है इसके साथ राइट right. लाइक like, क्या वीडियो होनी है किस खुद शूट की और मैंने खुद ही एडिट की इनफैक्ट हारे भी मैंने खुद ही एडिट की थी अच्छा। तो मैं थोड़ा बहुत वही था कि जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही मुझे मैं खुद ही एडिट कर देता था हाँ इरादे तो मैंने शूट भी खुद की उसको एडिट भी खुद किया और मैंने डाल दी वो वो तो वो भी मुझे नहीं पता था कि इतना चलेगा ऑनेस्टली yeah. मैंने कहा ये कौन देखेगा एंड दैट्स इट आई मीन आज भी बहुत ज़्यादा एम्फोसिस म्यूजिक वीडियोज़ पर नहीं है एक गवारा की एक आई थिंक बनाई थी हारे की बनाई थी अब इस वाली ई में एक म्यूज़िक वीडियो आ रही है एंड जनरली माई प्राइमरी फोकस वॉज ऑलवेज म्यूजिक और uh, ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइजर अगर कोई हो गया तो हो गया और ज़्यादा फोकस ही नहीं किया मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ थिंक आप करेंगे अब जिस तरह म्यूजिक वीडियोज़ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पाकिस्तानी नॉट अ थिंग टू बी वेरी ऑनस्ट अभी रिसेंटली देव रियली बिन पॉपुलराइज एटलीस्ट वोट आई मीन बाई दैट इज के ठीक है यूट्यूब डिस्कवरी मैकेजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और वो था बट कोई बहुत ग्लैमराइज म्यूज़िक वीडियोस नहीं आती थी, थी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होती थी कि यू नो सही पैसा लग रहा है और एक एफर्ट लग रही है कि यार ये मेरा गाना आ रहा है उसकी एक प्रॉपर म्यूजिक वीडियो होनी चाहिए और फिर वो म्यूज़िक वीडियो बन के निकलेगी मेरे हिसाब से यंग स्टनर्स री रीसेंटली रियलींक तलहा आ, यूनस ने फिल्म स्कूल ग्रेजुएट किया था एंड देन ही गोरन टू एट जो इनका रिटर्न आया ना और उसके बाद फिर इनकी म्यूजिक वीडियो गेम ही Ek yeah, alag mein chal yeah, hai. yeah, yeah, right. Um, do you think you're going to go towards sort of a higher quality conceptual music videos in the future? yes, i think what i gonna be. i wouldn't say it will be my first priority ever, but say it will go higher in the priority list, yes? makes sense. Yeah. Um, concerts. Kab shuru hai? What, what was your first experience? आई I मीन mean, आप परफॉर्म तो करते रहे uh, ना परफॉर्म में करते रहा और मैंने बर्लिन जाने से पहले एक कैफे में परफॉर्म किया था जिसमें उधर भी खैर काफी लोग आए थे क्योंकि वो फासले वासले लोगों ने सुन लिया था और हाँ. कोई मतलब 40 50 का शायद क्राउड होगा सही था वो आई वोंट आई वाजंट रियली गेटिंग पेड दैट मच इन फैक्ट वाज क्लोज टू नथिंग लेकिन द फर्स्ट टिकटेड प्रॉपर कॉन्सर्ट वाज हेयर इन इस्लामाबाद हिल जॉइंट पे राइट right. Or and that was around your name, not someone else's name with you being a. it second was act. me and one other guy, but he was a dj. so right. primarily see. as a performing artist, who uh a performing artist here, -huh. your friend, na a but yeah, me or both, let's just put it that way. right, but uh, that was the first time people bought tickets right. and, you know, came to see me. Um, i was in berlin, actually, uh -huh. when this whole endeavor started. and, you know, my. मैनेजमेंट और वट एवर माई टीम यू नो लाइक मी सीन इस तरह से हमें क्यूरी आई है um, event, मुझे एक महीना हुआ था वर्ल्ड अरे कहाँ से लेनी है मैंने मतलब exactly, हर चीज चल रही <laughs> है खाना पीना मतलब एक्सप्लोरेशन और उस सब के बीच में फिर क्यूरी इतनी ई मेल्स आ रही हैं you know,

तो पहली बार वो करीब से देखने का मौका मिल रहा था और यकीन पूरी तरह नहीं था कि ये सीन व्हाट द सेगमेंट वो जो 500 लोग थे क्या एज ग्रुप था सबसे पहले क्या तो जेंडर था जब मैं गया हूं और पीछे देखा है कि गाड़िया ही गाड़ियाँ <laughs> और रश लगा हुए और ब्लॉक हुआ वो ब्लॉक हुआ वो जगह ब्लॉक हुई हुई पूरी तो यकीन ही नहीं आ रहा था पहले तो कि ये सब

आपने एक ऐसी चीज़ बेड पे बैठे बैठे लिख दी जो आपने सोचा कोई नहीं सुनेगा और हर बंदा गा रहा है आज वो हाँ अनबिलीवेबल वो एक ऐसी फीलिंग है आप डिफाइन ही नहीं कर सकते इट्स इट्स अनबिलीवेबल जो जो हाई आता है खास कर जो पहली दफ़ा हाई है डज um, that हाई कम अबाउट एवरी टाइम यू परफॉर्म मैं ये जरूर अच्छा yes, ठीक है कोर्स मतलब ह्यूमन नेचर है थोड़ा हाँ. सा नॉर्मलाइज होता है लेकिन जो मैं आपको पहले भी एक बात बता रहा था कि मेरी कोशिश ये होती है कि हर रोज़ ना मैं एक डोज दूँ अपने आप को या रिमाइंडर दूँ कि यार रिमेंबर वे यू कम फ्राम और अपने आप को एक रियलिटी चेक देता हूँ और कि ये चीज़ें फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी इट रियली हेल्प्स बिकॉज इट्स वेरी इजी टू यू नो Take everything for granted और आप social media ये तो होने right? ही होना है ये ah. तो like I am a star आह uh, shows आह ये because things go up and things come down and it's really important yeah. that you prepare yourself prepare from the yourself down to, so that you can yeah. come back up absolutely right? like always मैं hamesha ye baat karta hu ki for granted kabhi nahi lena always be grateful right always be thankful to the people who are supporting you Um, there देर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर्किंग बैक स्टेज जो hmm. कि सामने नहीं आते सिर्फ अगर अब्दुल हनान इधर है तो उसके पीछे कुछ लोग भी हैं जो उसके साथ काम करें बी थैंकफुल टू दैम और उस ह्यूमिलिटी और आज़ी के साथ परफॉर्म करें तो वो स्टेज पर आपको फिर हर दफ़ा हाई मिल जाता है उस चीज़ का राइट right. ये ज़रूर है कि आपको डर हमेशा आज भी मुझे स्टेज पर चढ़ते हुए वो खौफ रहता है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए मसला ना हो जाए वो बट

द मोस्ट एफर्टलेस म्यूजिक द देव एवरह हर्ड के एक बंदा आया है और उसने आके ना वैसे बस मज़े मज़े में गा रहे हैं और कमाल गा रहे है तो देट वॉज अब्दुल हनान बट उस कॉन्सर्ट पर भी शिव स्टैलिंग में फड्डा हो गया और लड़ाइयाँ हो रही थी एंड yeah. वो कैफ़ी के टाइम पर आई थिंक वो हुआ था एंड दे वॉज लाइक भाई प्लीज लाइक वॉट इज यू गैस डूइंग अच्छा बाहर आप जाते पे या, होता है एक लाख बंदा होता है कोई बंदा नहीं उनको मैनेज कर रहा होता वो आता है वही बात है कि इट्स अ चैलेंज आप साउंड मैं, चेक मैं वो बंदा हूँ शायद नाउ right जो अपना साउंड चेक साउंड वाले बंदे से ज्यादा डिलीजेंटली करता है और मैं छः छः मैं आठ आठ घंटे भी रहा हूँ अच्छा। पे क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस की बारी नहीं आ रही और मैं साउंड चेक कर रहा हूँ टाइम नहीं मिल रहा या कोई बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ इस तरह की चीज़ें भी हुई हुई हैं और ये मेरे म्यूजिशियस भी कन्फर्म कर सकते हैं कि अगर मेरे साथ कोई ड्रमर गया तो जितना इनपुट उसने किया मेरी कोशिश होती है मेरा भी उतना ही हो या मैं उससे ज़्यादा करूँ हाँ। थोड़ा सा ये यहाँ पे ना एक ऐसा एरिया कि हर कोई सीरियस नहीं लेता राइट right. स्पेशली जो हमारे साउंड वाले बंदे होते हैं वो तो बिल्कुल उनके साथ आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है टू मेक श्योर योर साउंड इज़ गुड एंड इवन आफ्टर यू डन द राइट साउंड चेक एंड यू डन एवरी सिंगल थिंग दैट यू डन चांसेस आर जो आपने साउंड चेक किए वो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी हाँ. तो ये खौफ हमेशा रहता है साउंड um, वाइज मसला ये है कि वी डोंट रियली हैव प्रॉपर इंजीनियर्स Right. इसको बेसिकली नहीं करता उसका फ्रंट ऑफ हाउस इंजीनियर कहते हैं जो कि एक कॉन्सर्ट वेन्यू का पूरा साउंड संभाल रहा होता है और मैं हमेशा ये बात करता हूँ फॉर फोक्स लाइक एक्सप्लोर करो कि इसमें और क्या क्या है साउंड ऑन अ स्टेज एंड इन अ वेन्यू वो एक काफ़ी ट्रिकी चीज़ है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने सेटिंग सेव कर ली तो आप कहीं लगाओगे वो हो जाएगा एवरी सिंगल प्लेस इट्स डिफरेंट बिकॉज यू यू विल हैव डिफरेंट डायनामिक्स पीछे कोई शायद दीवार हो बाउंस बैक हो कुछ हो मॉनिटरिंग अलग हो तो स्किल इट्स एन आर्ट और उसके लिए वी नीड प्रॉपर स्किल्ड इंजीनियर्स कैन 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 कम द द प्लेस एंड एंड दे दे एडजस्ट साउंड मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट अगर सिर्फ वो यही yes. का काम कर yes. yes. yeah. करवा रहे हो exactly. पहले इस लड़के को लेकर आओ yes. और इंश्योर करो कि तो कि ये, मेरी तो में है, वो ये इतनी कम्पिटेटिव फील्ड ही नहीं है यू कैन हाँ. uh make a big break breakthrough in this yeah what about equipment do you now at this point in time when when obviously you're getting 10 queries right or everybody wants a concert and so uh, do, do you have like a benchmark here listen at least this level of sound equipment needs to be there hmm. then i'll yeah. perform yeah do you have even beyond that do you have other benchmarks as well at least istraha crowd.

इवेंट ऑर्गेनाइजर्स वगैरह क्योंकि वही बात है इस इन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीरियस नहीं लिया जाता उनके लिए मेनली बस ये होता है कि आर्टिस्ट आ जाए परफॉर्म कर ले बट आई थिंक लार्जली आपका कोई भी शो इज़ डिपेंडेंट ऑन गुड टेक गुड इक्विपमेंट गुड गेयर और फॉर दिस एग्जैक्ट परपज वी हैव अ टेक राइडर विच मोस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड डू एक टेक राइडर होता है जिसके अंदर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपका इक्विपमेंट कौन सी मॉनिटरिंग गेयर आपको चाहिए वो सब कुछ उसके ऊपर लिस्टेड होता है hmm. आ, पाकिस्तान में फिर भी शायद इतना कॉम्प्रीहेंसिव नहीं है अगर आप ग्लोबली देखें तो इट्स ए वेरी कॉम्प्रीहसि लिस्ट एक पूरी पूरी पी होती है जिसके अंदर वो बताते हैं कि इस आ, एंगल पे या यहाँ पे हमें एक मॉनिटरिंग स्पीकर चाहिए यहाँ पे हमें ये वाला माइक चाहिए hmm. हमें ये वाले इन हेडफोन्स चाहिए वो बड़ा एक वेल well डॉक्यूमेंटेड एक पूरा टेक राइडर होता है

कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं लोग वेट कर रहे हैं और ये भी बड़ा नुकसान होता है कि ये बड़ा मसला है अब लोग आगे आप भी तो नहीं जा सकते ना सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताता हूँ जो मैंने खैर इट कम्स विद द पैकेज बट लोगों को ना लगता है आर्टिस्ट बहुत लेट आते हैं जो कि कुछ आर्टिस्ट आते भी होंगे बिल्कुल वो इतना अरसा उन्होंने काम किया होता है वो सीख जाते हैं क्या सीन है मैं मेरी हमेशा से ना पंक्चुअल रहने की आदत और कोशिश रही है इसकी वजह से मैंने बहुत मार खाई है और कितनी बार ऐसा हुआ है मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे गालियां पढ़ रही है से कि तू कब आएगा हाँ। और मैं बैठे <laughs> मैं उनके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ पीछे से क्यों क्योंकि मुझे आगे गो हैड ही नहीं आ रहा हाँ। तो शुरू करो हाँ। वहां पे होस्ट है तो वो इधर उधर की मजाक कर रहे करे हाँ। ताकि टाइम पास हो पीछे हाँ। कोई ना कोई क्राइसिस चल रहा है हाँ। वो साउंड का कोई मसला है कुछ भी क्राइसिस चल रहा है वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पीछे में बैठा लोगों की गालियां सोल करें ये हुआ है मेरे साथ और ये एक बार नहीं तो बीच में तो लोगों को लगने लग गया था कि ये बंदा आते ही लेट है लोग कह रहे हैं प्लीज यार इस बार जल्दी आ जाना है हर दफा मेरी कोशिश होती है टाइम पे शायद एक आध दफा हुआ हो तो हुआ बट मेरी पूरी कोशिश होती है मतलब लोग आ रहे हैं इतनी मुश्किल से टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे इन्वेस्ट करके तो मेरी कोशिश होती है कि कोई मेरी वजह से ख्वार ना हो हाँ। वो अलग बात है कि इम्प्रेशन हमेशा यही जाता है एंड दर इज ओनली सो मच यू कैन डू अबाउट इट इटकोर्स गेव अ प्रोसेस फॉर योर परफॉर्मेंसिस कि जिस दिन परफॉर्मेंस है उस दिन से पिछली रात आप कुछ कोई कोई क्या कहलाता है गले हाँ। की वो शायद खाते हो रही शायद है खाते हैं कोई कोई प्रैक्टिस करते नॉट इवन दैट साइकोलॉजिकली ना लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे ये बढ़ता है देखें एज यू गो हायर अप पीपल थिंक कि यार देखो इसका तो सीन ऑन हो गया है mm -hmm. uh, कि ये तो बड़ा हो गया लेकिन एक्चुअली ना द मोर यू राइज द मोर प्रेशर यू रेन द मोर स्टेक्स बिकम मच हायर यू बिकम टू बिक टू फेल राइट एंड सो आपको शायद चार जब आप चालीस पचास बंदे के लिए रेस्टोरेंट जाते थे तो आप दोस्त के साथ बैठ के ताश खेल रहे हैं और फिर उठे और चले गए और परफॉर्म कर लिया और वापस yeah. आ गए पाँच सौ के ऊपर आपको है कि यार यू नो वट लाइक आई हैव टू मेक श्योर कि मैं कुछ क्रू yeah. अपना करूँ hmm. पाँच हज़ार के ऊपर शायद आपको <laughs> चार दफा प्रिपेयर करना पड़े राइट सो सो इज देर अ प्रोसेस नाओ वेर यूर लाइक ओके हाउ डू आई इंश्योर दैट एवरी थिंग गो वेल अच्छा सो अगेन वही बात है मैंने कभी ये सब चीज़ें सीखी नहीं है बट मैंने टीम बनाई भी उन्हीं लोगों के साथ है जिनका राइट एटीट्यूड और वर्क एथिक है सो so, ये कोई भी फील्ड हो इनफैक्ट आपके पास अच्छे लर्नर्स हो ना वो ये सारी चीज़ें पिक करके सीख लेते हैं और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ मुझे आदत है स्प्रिंट्स की रेट्रोस की और ये सारी वो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली चीज़ें होती हैं तो हमने अपनी टीम का स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनाया right. कोई है कोई इवेंट होता है उसके एक दो हफ़्ते बाद हम प्रॉपर एक मीटिंग करते हैं डिस्कशन रेट्रो करते हैं अच्छा ये मसला हुआ ये वो हाउ कैन वी इम्प्रूव इट जितनी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं हम उसका पूरा प्रोसेस ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं अच्छा भाई यहाँ से मैं निकल रहा था तो इधर से लोग इतने ज़्यादा आ गए पिक्चर्स लेनी पड़ी एक जंग पूरा वो मेस बन गया तो व्हाट डू वी डू इन दैट सिचुएशन लोगों को हर्ट भी नहीं करना ऑफ कोर्स लोगों के साथ पिक्चर्स भी लेनी है छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें तो उसके रूल्स ड्राफ्ट किए तो ओवर टाइम ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें हम सीखें फिर थोड़ा सा लीगली भी आ, चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लेना शुरू किया है कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सीरियसली अब इवन दो अगली पार्टी ले ना ले मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ और अ, मेरी बल्कि कोशिश ये है भी कि अगर जिस तरह जिस रेट से कॉन्ट्रैक्ट्स वायलेट होते हैं इफ़ इट कम्स डाउन टू आर्बिट्रेशन या कोई ऐसी चीज़ तो आई आई वुड गो फॉर इट बिकॉज

एंड uh, मैं नाम नहीं लूंगा बट अभी टैक्स फाइलिंग का टाइम आ चुका है uh. कितने ऐसे कंपनीज को हमें लीगल थ्रेट देनी पड़ी है कि भाई यू हैव इन सबमिटेड चलान uh. वो हमें हमारा टैक्स चलान दो बिकॉज दिस इज द दग्रीमेंट दैट यू एंड इट शुड हैव बिन देर थ्री फोर स्टिल नॉट हेयर तो ये मैं हमेशा लोगों को ये बात करता हूँ कि यार ये करप्शन और ये सारी चीज़ें ना ये कोई सिर्फ गवर्नमेंट का मसला नहीं होता ये हम माइन्यूट स्केल से चीज़ें जो चलती आ रही है ना और जो हमने इतना छोटी छोटी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी हैं कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो हो जाता है यहीं से शुरू होता है एंड देर नीड्स टू बी ए करेक्टिव मेजर इन ऑल दीज थिंग्स मैं बड़ा सीरियस लेने लगा उन सब चीज़ों को मेक सेंस टेल मी अबाउट अगेन जो रिसेंटली कॉन्सर्ट हुआ था ये uh, एक्सपीरियंशल वाला मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज पाकिस्तान में ना आई रिमेंबर मैंने पी भी देखा

इतने बड़े स्टेडियम में लोगों को घेर कर एक पूरी चीज़ बना के बैठा भाई, वो आर्टिस्ट एक कंपोनेंट इन एन यस राइट को बुला लो टिकटें भेज दो बंदे भी खुद मैनेज हो जाएंगे आर्टिस्ट भी अपने होगा, खुद मैनेज कर लेगा अल्लाह तबक्कल चल जाएगा अल्लाह तबक्ल बिल्कुल Considering the experience that you guys had, because you're the only person I've spoken to, I think Kafi was there as well in Islam, but like Hassan was obviously there, a bunch of other folks were there as well. What was the experience uh, for that Because uh, I think it tour the multiple mm. cities? Ka. Mm. And secondly, how do you see the future of that? What was because a wa fascinating mm. um सीड लग रहा था hmm. एक विजन ऑफ द फ्यूचर आ रहा था उसके अंदर yeah. जो कि नया का क्रिएटर जो, जो uh, है ना या ये पूरी कोविड वाले असेंचुरी ट्राइंग इंडस्ट्री वर्क एंड इवन दो दैट आई डोंट नो वेदर definitely क्रिएटेड बैग और नॉट बट आई आई कैन first आई कोडिनेटली सी दिस इज steps. Yeah, yeah. that might change the way that the future generations are going to experience this sort of um, direct interaction with the artist. What was that like if you were to? सबसे पहले तो मैं आपने कोल्ड प्ले का जिक्र किया फनी यू मैंशन एक छोटी सी बात है कि मैं बर्लिन में कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे गया hmm. और मैंने वहाँ पे ना देखी कुछ साइकिल्स लगी हुई थी स्टैटिक hmm. जैसे वो होती है ना जिम वाली राइट तो मैं बड़ा इंट्रीड uh, था कि ये क्यों है क्या सीन है ऑडियंस स्टेज के बिल्कुल सामने साइकिलें लगी हुई हैं मतलब आप ये सोचें कि उनकी सोच कहाँ तक जाती है मैं गेस्ट कर रहा था मेरा गेस्ट था कि शायद इट हैज़ समथिंग टू डू विद यू नो इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी या कोई यू नो द प्लानट वाली कोई चीज़ होगी मैं उस वक्त ख्वाबों में भी मेरे नहीं था कि ये असल में ये हो रहा है हाँ। और उन्होंने अनाउंस किया कि हमारा जो टोर था ना शुरू से उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने इको फ्रेंडली शोज़ या प्लैनेट फ्रेंडली शोज़ किस तरह करने एग्जीक्यूट हमने इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बचानी है और उसके लिए वो साइकिल्स बेसिकली इट हैड टर्बाइन्स तो वो जितने लोग वहाँ पे अपना सब एनर्जेटिक होते हैं कॉन्सर्ट्स में तो वो बिजली बन रही है उसकी और लोग यूज़ साइकिल्स वो साइकिल्स चला रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं ठीक हाँ। है मतलब वो स्टैटिक साइकिल्स हैं हाँ। कोई मतलब यू नो वाइप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, साथ साइकिल्स पे बैठे हैं वो चला रहे हैं और वो इट्स पावरिंग द शो ठीक है कहाँ की सोच है मतलब हाँ. तो आप एक सेकेंड के लिए सोचें कि उन्होंने ये भी सोचा कि हमने इको फ्रेंडली या कोई मतलब प्लान फ्रेंडली शोज कैसे करने हाँ. कौन सोचते पाकिस्तान में में भी ना गा गा गा, है कितना पागल है ये क्या तो वो वही बात है कि उनकी सोच जिस तरह से मेच्योर हो गई और जितना वो वो वाकई एक बेंच है एंड देन पाकिस्तान का मसला यही है ना कि लाइक

विद दिस शो आई डू अग्री इट वॉज अ स्टेप अप एंड हम भी जब शुरू हुए थे वी स्टार्टेड मेकिंग विजुअल एंड हम लोगों का भी सिंक्ड विजुअल वाला कॉन्सेप्ट इस शो से थोड़ा सा पहले हमने स्टार्ट कर दिया था विद दिस इट वॉज लिटल डिफरेंट बिकॉज देर वॉज अ ह्यूज टीम इन्वॉल्व ह्यूज टीम ऑफ क्रिएटवस अवज टीम ऑफ यू नो टेक्निकल पीपल हु इन्शोर के अगर ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस है तो वो वाकई ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस हो hmm. इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमरों में बैठ के शायद सिर्फ पीछे विजुअल्स बनाए होंगे हमने अपने विजुअल्स इंडिया में एक बंदे से बनवाए अच्छा या सो इतने ज्यादा की कॉम्पोनेट्स होते हैं इसके इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं जो सामने नहीं आते सामने तो चले आर्टिस्ट आ गया या नाम ah. ना आ गया जो भी आ गया बट मैं इसीलिए कहता हूँ कि आके देखो तो सही कि कितना कुछ है इसमें सो मच यू कैन डू क्रिएटिवली टेक्निकली कि ये सारे टीम इतनी बड़ी टीम होगी इतने बड़े लोग होंगे इतने बड़े स्टेक होल्डर्स होंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी इस तरह की चीज़ें होंगी और इंशाल्लाह विद दिस न्यू लॉट और भी लोग हैं जो अब थोड़ा सा लीगली कॉन्ट्रैक्चुअली इन चीज़ों को सीरियस लेना शुरू है आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप मेरे मेरे हिसाब से When you start taking the fundamentals seriously, then you can, you know, work on the next step. अभी fundamentals are बहुत मसला है। वो base बच्चे uh, की base नहीं खराब होई होती, जो और फिर वो आगे जाके struggle करते। Exactly वही situation है। Base बहुत खराब है। Everyone is going to justify their wrongs. If भी आपके payment delays हैं, कोई contractual uh, you know breach है, कुछ भी है, वो justify आपको करके ये कहेगा कि कोई बात नहीं। That's how's the first step. How the collaborative spirit in the industry? Um, काफ़ी दफ़ा मैंने ये देखा है कि होता क्या है अगेन मैं कॉन्टेंट क्रिएटर साइट्स के ऊपर भी ये बड़ा मसला रहा है हर बंदे से मैं बात करता हूँ ना तो वो सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बोलता है काफ़ी दफ़ा ये हो सकता है कि यार जो सारा लेयर है ना अगर हम एज ए लेयर डिस्कस करें कि यार एसोसिएशन बना लें माफिया बना लें mm -hmm. तो आप कहें कि यार ऐसे होगा नहीं होगा तो यू नो बट होता क्या है कि कोई स्पिरिट नहीं होती सो so, हर बंदा शोर भी डाल रहा होता है लेकिन हर बंदा डराबा भी होता है तो हर mm -hmm. बंदा जाता है और जाके जो है ना वो सिस्टम के अंदर ही परफॉर्म कर रहा होता हैलेबोरेशन काफ़ी दफ़े ऐसे होते हैं कि वैन यू कोलेबोरेट यू एक्चुअली आर एबल टू रीच बिगर हाइट्स सो फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी फेयरली डिफिकल्ट फॉर और पाकिस्तान एज अ डायास्पर ऑफ ट्वेल्व मिलियन पीपल्ड दिस दर्ड लार्जस्ट डायास्पर इन द वर्ल्ड

if 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 abdul hanan is in islamabad seven times a year i do not have an incentive to go and listen to i'll always be like yeah, next time chal jaunga khair whatever and everything is the same coke ka music festival but usi ke sath agle hafte smiles ka music festival se agle hafte water festival yaar masla ye ke aur kya entertainment hai nahi i get that <laughs> but my my point is look rather than my point is You got a hundred events in a month, in a year, each with thousand people. Why can't you have one event with a hundred thousand people? Hmm. Right? It and I I get it, an individual cannot do that. But somehow someone which experience design kills, which excitement, I you get a hundred thousand people on uh, in a stadium, you get forty thousand people in a stadium.

आई फील लाइक जब इतने बड़े स्केल की हम बात करते हैं ना तो उसमें फिर एक आ, अवामी मेचोरिटी और आ, वो भी होनी चाहिए एक जज्बा होना चाहिए कि अगर इस शो पे औरतें भी होंगी हज़ार तो अगर इतना बड़ा स्केल हज़ारों औरतें आएंगी तो उनको हमने कंफर्ट कैसे देना है उनके लिए सेफ स्पेस कैसे बनानी है उस चीज़ को मास्टर करने में अभी बहुत टाइम है आ, हम अभी पाँच को भी मास्टर नहीं कर पाए हैं सो आई फील लाइक 500 सौ वाला जब मास्टर हो जाएगा ना जब हम कहें यार ये 500 सौ तो मजे मजे में हो जाता है हाँ। फिर हम आगे जाए फिर हम कहें कि अच्छा यार अब मैं साल में एक शो करता हूँ बट नाउ सेंस बिकॉज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज शोज अगर आप साल में एक शो करते हो अगर प्ले साल में एक शो करते तो वो इट दे चार्ज मिलियंस ऑफ राइट सो

They do rely on shows, and especially with, you know, the, you know, Joe band members, And the, the, these are phenomenal musicians. They've performed on every big uh, platform. platform. Joking again we show kar. So their primary source of income has to be shows. Right. They, they they do rely on that.

बहुत ऐसी कॉन्वर्जेस हुई जो बहुत करीब आके फिर वो हुई हैं कुछ मेरी अपनी कमिटमेंट्स की वजह से भी नहीं पॉसिबल हो सका कभी एक दो पॉइंट्स पे मैं खुद यूरोप में था फॉर सम वर्क और कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रही जिसकी वजह से नहीं हुआ बट इस साल या अगले साल में वी डू हैव है इंटरेस्टिंग थोड़ा सा अगर मैं कॉन्वर्जेसन को स्विच करूँ ए रिसेंटली राइट एंड कॉन्वर्जेस और अराउंड what this is going to do to the creative industry. If you Twitter 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 everything Everything is gone and every day there is a new tool and then there is some influencer saying that yeah. this tool has come out and it has killed the industry. Yeah. yeah. Um, but it's it's, it's in a very nascent stage right now and we don't really know how it's going to pan out. Um, but a lot of people are scared, right? So for mm. example, recently I was speaking to someone and we were talking about copyrights, mm. what happens when someone trains their, uh, audio on Hanan mm. and, uh, now starts, you know, making his own music. words copyright but tone ko to coincidence Right. what happens when you, I mean, artist, is there an artistic सेंस टू एनी थिंग एनी मोर बिकॉज आप भी जो लिखते हो वो अपने शेयर्ड एक्सपीरियंस से लिखते हो जो आपने सुना है सीखा है समझा है तो जब एक ए आई है उसको भी आप कहते हो कि यार एक लव सॉन्ग लिख दे भाई उसको अच्छे से राइम कर दे और उसको ऐसा लिख के पाकिस्तान में जो नौजवान है वो बहुत ज़्यादा फील करता हो वो एक लिख के दे दे और हर बंदा उसको फेंकी जाए तो देन देर विल भी अ नॉइजी इन्वायरमेंट वेयर टन्स ऑफ म्यूजिक इज कमिंग आउट हाउ डू हाउ वट आर योर थाट्स ऑन दिस सॉट ऑफ एक्सट्रीमली फ्रैगमेंटेड कन्फ्यूजिंग टाइम आई मीन इट इज केरी बिल्कुल है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन मैं इसको इस तरह से सोचता हूँ कि अगर मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे कोई कहता है यार तू क्यों फ्रंट एंड इंजीनियर है ये तो हम ए आई से भी बनवा सकते हैं तो वो नहीं है पॉसिबल क्यों क्योंकि एक पूरा आर्किटेक्चर होता है विच गोज़ इन टू मेकिंग एन एप्लीकेशन उसमें एक बैक हैंड होता है उसमें एक फ्रंट एंड होता है उसमें डेटा साइंस होता है उसमें एक पूरी पाइपलाइन होती है एंड यू आर वर्किंग ऑन दिस लिटिल एस्पेक्ट विच इज़ वेरी वेरी कस्टम टू योर नीड्स आप सबसे पहले तो ए आई मॉडल को समझाते समझाते ही पागल हो जाएंगे कि मैंने ये आउटपुट चाह रहा हूँ ठीक है इट मे भी पॉसिबल बट इट्सटिल वो आप एज अ डिवेलपर आपका आपकी औरिजनैलिटी और आपका जो उसका काम है वो रिक्वायर्ड है ही है सेम फॉर म्यूजिक मुझे इस तरह लगता है कि आप एज एन आर्टिस्ट ना आप उसको ये कह दोगे यार ये फला गाना है जो आतिफ ने गाया है इस पर मेरी टोन कर दो hmm. वो करीब करीब आएगा बट इट विल स्टिल नॉट बी द सेम टिम्बर इट विल नॉट बी द सेम वो जो एक प्रॉपर एग्जैक्ट ओनालिटीज होती हैं वो आपको वो डायनामिक्स उस तरह नहीं मिलेंगे मे hmm. बी बहुत इम्प्रूव हो जाए फिर आप उसे कहो कि शायद वो बहुत करीब आ जाए शायद वो गाना भी लगता है बट एट द एंड ऑफ डे इट दफ़ दिल राइट एट द एंड ऑफ डे इट विल मेक ग्रामेटिकल एरर्स इट विल मेक विलौंसियन एरर्स और वट नॉट क्योंकि क्या पता उसके पास जो डेटा सेट है वो इंग्लिश में ट्रेन हुआ है right? so नजर तो आ रहा है कि उसने अच्छे से अच्छे से अच्छे तो होते जाना है जैक ऑफ ऑल ट्रेड और राधर नो हाउ टू पैकेज एवरी थिंगली सो so, सो so मुझे कभी बार ऐसे लगता है कि ए को किलर कहा जा रहा है ए आई इज किलर इन स्पेसिफिक एरिया सो मुझे लेट्स जूम कि मुझे लिरिक्स में हेल्प चाहिए तो ए आई माइट अलाउ मी टू रियली स्केल अप दो लिरिक्स Okay. then i put those on aside then i'm working on some sort of a melody for it then ai might help me Short, create yeah. a great melody for it then i'll I'll use ai for individualistic things mm -hmm. yeah. but it's the human that will come in and put all of it together curate, kerega, curate yeah, 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 yeah. So i think the role which is why what you said earlier on became so important okay आप एक चीज़ में कह रहे हो कि यार मैं मैंने एक ऐसी आवाज़ बना ली कि मेरे से बेहतर किसी की आवाज़ नहीं है बट वो तो शायद ए भी बना ले इट्स हाउ यू यूटिलाइज दैट वॉइस इन विद द राइट लिरिक्स विद द राइट मेलोडी विद द राइट डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक द द द इंटरसेशनैलिटी ऑफ इट इज़ वेयर द ह्यूमन थाट वुड कम इन एबसोलूटली मुझे लगता है कि हाँ फ्यूचर में इफ़ यू थिंक ए इतना आगे जा रहा है यूज़ इट तो एज ए टूल किट राइट इट्स देर नो हार्म जनरेटिव जैसे हम यूज करते हैं पिक्चर्स बढ़ाने के लिए या हम पिक्चर्स रिक्रिएट करें इतनी चीजें करें यूज इट एट योर एडवांटेज एंड देन थिंग्स यू नो एज अ टूल केट यूज़ करें ए आई को भी मेरी आवाज़ का डेटा सेट चाहिए हाँ. तभी वो रिक्रिएट करेगा ना हाँ. अगर अब एक मेरा दोस्त है जिसने कभी गाना प्रोफेशनली रिकॉर्ड नहीं किया मैं आई को कभी भी नहीं कह सकता कि इसकी आवाज़ का गाना बना दो दैट्स दैट्स मैजिक

राइट बट अगेन इन द नेक्स्ट दस पंद्रह साल तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पूरी तरह रिप्लेस कर देगा या कोई ऐसा कोई मैजिक हो जाएगा कि मेरी आवाज की टिम्बर को वो पूरी तरह रिकोगनाइज करके वो एक गाना बना देगा लिख हाँ। देगा इट बी अ हिट अगर मैं इसको तो फ्लिप करता हूँ मैं ये कहता हूँ कि यार द कंटेंट इंडस्ट्री इज बिकमिंग डेमोक्रेटाइज्ड अगेन मेरी इंडस्ट्री के अंदर पहले टेलीविजन था दस होस्ट होते थे दस एंकर्स होते थे उसे आगे नहीं जाता था फिर यूट्यूब आया जिसके बाद अच्छा डी आ गया दो बंदे की टीम आ गई वो अब चैनल्स बनाते थे तो हज़ार शोज हो गए फिर टिकटॉक आया मोबाइल रखो शुरू हो जाओ राइट एंड एंड मिलियंस ऑफ पीपल वर क्रिएटिंग एवरीबॉडी वाज अ क्रिएटर डू यू थिंक मे बी वेर एट द कस्प ऑफ दैट रेवोल्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एज वेल वेयर एनी बडी कैन बी अ म्यूजिशियन सम पीपल जो नेचुरल नैक ऑफ टैलेंट है चले मैं आपकी आवाज़ नहीं चो, चोरी कर रहा hmm. बट मैं अपनी आवाज़ को एनहानस करता हूँ और मैं अब मुझे द द द टोन ऑफ माय वॉइस या द ब्यूटी ऑफ माय वॉइस इज़ नो लॉन्ग स्टॉपिंग मी वो पहले तो ऑटो ट्यून वगैरह कर लेते थे तो कुछ हो जाता था वरना अब जो है मैं सॉफ्टवेयर को देख के मैं कहता हूँ कि यार यू नो वट लाइक ट्रेन योर सेल्फ टू द बेस्ट म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड एंड देन मैं अपनी बहुत सारी तो मैं डेटा देता हूँ और मेरी तो भरा पड़ा है ना कैटलॉग मेरी वॉइस लो और उसको उस पर एक्स्ट्रापुलेट करो एंड नाउ आई एम अ सिंगर सी देस राइट आपका जो डेटा पड़ा है वो आपकी टॉकिंग हाँ. वॉइस है And then हर रजिस्टर पर ना आपकी आवाज चेंज होती है हाई right. नोट पे आपकी टोन अलग है लो नोट पे टोन अलग है बस बैठ के ना आप डेटा छोड़ तू हाई टोन दे मुझे ठीक है मैं देता मेरा पॉइंट बेसिकली टूल्स आपको दस चीजें सीखनी पड़ती थी अब yeah. आप, आप कुछ ना कुछ बना के डाल सकते बी अगेन टिकटॉक का क्रिएटर शायद मुझसे कंपीट ना कर सके इन टर्म्स ऑफ दस ऑफ हिस बट इज स्टिल पुटिंग आउट कॉन्टेंट एंड सो वेरी नॉइजी राइट मुझे ये लगता है कि आज से शायद चार साल बाद हर दिन पचास सौ सॉन्ग्स निकल रहे हो इस्लाबाद के पाकिस्तान के आर्टिस्ट से राइट hmm. right? और वहाँ पर कम्पीट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जो नया आर्टिस्ट है उसके hmm. लिए कम्पीट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज हाउ हाउ इज़ ही डिफरेंट या तो फिर वही है कि फिर वो या तो लेबल्स आएँ लेबल्स लेबल आपको उठा के नॉइज से निकाल के लेकर जाएँ या यू गॉट लाइक दी शोज़ बड़े बड़े जो कि आपके अमेरिक गॉट टैलेंट टाइप के जो कि पिक फ्रॉम द क्राउड कर रहे हैं हाउ डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू इवॉल्व एंड इसमें मैं एक चीज़ फर्दर ऐड करूँ कि मैंने एक चीज़ ये नोटिस की कि बाहर का आर्टिस्ट जो है ना वो अपने आर्ट के या अपना क्राफ्ट जो है उसके अलावा वो अपनी ह्यूमन स्टोरी बहुत ज़्यादा बेचते जनरली इन एनी ब्रांड ग्लोबली नाउ बिकॉज बिल्डिंग अ ब्रांड इज वेरी ईजी सो The way that the that brands grow is that they humanize themselves, they mm -hmm. sell their story, they sell a connection, a human connection, right? Yeah, yeah. In the age of AI, anyone can produce a good sounding song. Mm -hmm. But if I know Hanan and I know just that not suddenly I feel more connected to his song. I will mm -hmm. be very honest. I've spoken to maybe four or five artists on the show, a um, couple of rappers, this or that. Every time they've come on the show, they've spoken to me. I've listened to every single song of theirs after that because somehow the music started speaking to me. Mm. Somehow I became I could understand where it was coming from. Before that, it was just music that was being produced. A um, Puri personality, adobe, Puri personality, yeah. Yeah. and yeah. Pakistan unfortunately we're not doing that. We don't know much about other Islam. Mm. You know, it's just there's a lot of distance between artist and the the, the consumer. Taylor Swift.

उसकी इवेंचुअली वैल्यू बहुत कम हो जाएगी बट इफ यूर सम हैज अ स्टोरी एंड द स्टोरी कम्स आउट एट द राइट टाइम जस्ट लाइक ए डॉक्यूमेंट्री दैट यू मैं इट्स अ विन यस फॉर सम पीपल बींग हिडन इज ऑल्सो अ विन सो इट डजन नेसेसरली मीन कि अगर आप बिल्कुल गायब हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होल्सो तो इट वर्क फॉर दैम आई थिंक वीकेंड की इतनी ज्यादा लाइफ हमें नहीं पता वो ज़्यादा इंटरव्यूज वगैरह भी उसके इतने नहीं है बट देन अगेन ही नंबर वन राइट नाउ तो आई फील लाइक कुछ चीज़ें ना बहुत सब्जेक्टिव होती हैं फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट द कांड ऑफ इमेज यू हैव द कांड ऑफ स्टोरीज यू हैव टू टेल द कांड ऑफ एक्सपीरियंसिस यू हैव और मे बी सम जस्ट लाइक टू स्टे इन द केफ I feel like this is an individual assessment that you need to do and then you need to just say maybe story chau, theek hai, every once in a while I'll uh, you know, tell something about myself. A a a a personal story, do you think you you'd want to take your fans a little behind the scenes on the experience of your artistic journey? Of course. So maybe, yeah. you know, you're going to all these concerts, maybe hire a filmmaker who can Record all of them and then put out something at the end of the year, Kaji throughout kya raha? maybe songwriting journey. Yeah. Ko cover Again, we I, uh -huh. I would wait for the right time. Okay. Um, if I do it now in every other show. Then it loses its value. Right. Um, maybe someday I release an album, just I and then that album I'm Then I would want to document a lot of things in my emotion, in my life, and what really went into the making of it. But there's a purpose behind it, right? So right. I, I, the purpose is to show people that this album has this amount of soul in it, this amount of work, um, and I want. To

साउंड वाले के साथ वो कर रहा हूँ कि ब्रो मतलब क्या सीन है मेरा साउंड क्यों नहीं सही हो रहा सो यू नो लाइक वो अभी तो हम उन स्ट्रगल्स को ही नहीं ओवरकम कर सके हैं सो दिस इज अ जर्नी आई मीन आई फील लाइक एज एन आर्टिस्ट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ वॉट यू पुट आउट वेन समथिंग कम्स आउट एंड यू हैव टू बी लिटल मोर कैलकुलेटेड आप हर वक्त

एक बड़ा है जो कि सिर्फ मिनट का बाकी तीन गाने उसमें उसमें uh, की जो पहली Entity Paradise, की पहली एल्बम आई थी एक इरतका के नाम से एक गाना था मुझे इस तरह याद नहीं है नहीं। Did you listen to that album? मैंने कुछ गाने सुने हुए मैंने पूरी एल्बम शायद नहीं सुनी अच्छा वो इट वाज वेरी आपने मिनट it was very confusing what was going on there, but I I can now understand what they were trying to do is similar yeah. to um, what you're doing as well. What's the thought behind this yeah. album? So, uh, just like we were talking about the identity crisis or, you know, your frustrations and your problems, we tried to down mm -hmm. um, And, I, I would want to have own, uh, interpretation, but what जो अगर मैं कुछ गानों की बात करूँ वो इस तरह से कि आप कुछ मसलों से गुजर रहे हो और आप पुकार रहे हो किसी को औ, आ, कि आपको आगे थोड़ा सा उस में से निकाल दे सो ना अब आपको कोई भी हो सकता है इट कुड बी योर फैमिली इट कुड बी योर फ्रेंड्स इट कुड बी बेसिकली एनी वन जो आपका बेसिकली ई पी का नाम है दिया तो आपकी ज़िंदगी अंधेरा आके वो फलां पर्सन आके वो दिया जला दे सो दैट्स लाइक द नट शेल और उसमें एक ये भी चीज़ है कि आप um, अक्सर जब आपके जिंदगी में कुछ चल रहा होता है तो यू रीच आउट टू सम पीपल और वन पर्सन और यो पार्टनर जिनको आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो और आप कहते हो तो यार तुम तो हो ही ना तो तुम तो मुझे इसमें से निकाल ही दोगे तुम तो मेरे राजदान यू नो ऑल माई सीक्रेट्स यू नो माई स्टोरी सो रिगार्डलेस ऑफ वॉट आई एम गोइंग थ्रू यू आर दन गोइंग टू टेक मी आउट ऑफ दिस राइट सो काइंड ऑफ उसमें थोड़ा सा एक uh, उस चीज़ का एक एलिमेंट है फिर एक गाना जो बहुत इंटरेस्टिंग है आई शेयर द थाट इट, वो मेरे कुछ पुराने दोस्तों के बारे में है जिन्होंने कुछ ऐसा किया जिनसे दोस्तियाँ टूट गई फॉर एग्ज़ाम्पल राइट right. उस गाने का नाम है शुमार और वो बेसिकली मैंने उस मैं आई वेंट बैक टू दैट टाइम और मैंने उन फीलिंग्स को दोबारा फ़ील किया कि कैसे उन लोगों ने जो मेरे इतना क्लोज होते देखो एक तो होते ना आपकी किसी से लड़ाई होगी डज नॉट मैटर बट देर आर पीपल और अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो आपके इतना करीब होते हैं एंड देन समथिंग हैपेंस या कोई ऐसी चीज़ वो करते हैं जिससे वो दे जस्ट डिस यू या आपकी कोई भी आपकी association हो जाती पूरी तरह से सो दैट सॉन्ग इज अबाउट दैट अबाउट फ्रेंडशिप फ्रेंडशिपी Yeah and or, then or the lack like thereof, kind of losing friends right. and then you know why Q tumne kiya matlab why did you guys set me up in a way tum log itna kareeb आए and then you you did this to me so तो complaints है वो Right right मैं right, generally whiny गाने लिखता हूँ मैं complaints नहीं करता फिर एक गाना उसमें ऐसा है जो कह रहा कि अच्छा यार तुम हो वही जो मैंने आपसे बात की थी कि we start taking someone for granted but तुम हो but अब now that you are here don't leave राइट right. सो so, एक एक गाना इस तरह का एंड जो आखिरी गाना जो मैं एक मिनट का आपको बताया था उस गाने का नाम है खुलासा राइट right. तो वो बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट नया तो नहीं खैर बस जो भी है इट्स बेसिकली समरी क्या right. और अब इसके साथ अपनी पीस कैसे बनानी जिंदा कैसे रहना जीना कैसे बस वो एक, एक मिनट के कुछ ऑथेंटिक

yes do we have a release date as yet 1st of october do we have music videos coming with them one of the songs yes yeah. are there any collaborations in the songs or no. it's just abdul no. right now yeah. interesting are you going to be collaborating with people in the future are yeah. there talks about that as well of course the coffee project shall be Is there a particular artist that you'd love to collaborate I with? i don't want to name anyone right now <laughs> <laughs> but yes chizengi for sure yeah. how soon can we expect those possibly after the ep pelidhovvi ep right कुछ ऐसा मैं रेस्ट करूँगा क्योंकि ऑनेस्टली द लास्ट टू थ्री हैव बीन रियली है बिकॉज दो दुनियाओं को साथ लेके चलना भी आसान नहीं है मैं वो वो पीछे इंजीनियरिंग लाइफ भी साथ लेके चल रहा हूँ फिर ये भी और यू नो काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं तो थोड़ा सा भी मैं फिर इसके बाद सांस लूँगा दैट एस्पेक्ट दैट यू यू स्टक बिटवीन This passion that you've pursued and that has seemingly worked out, and this image of what you always felt like you needed to do. You're working, or, are themes ke you've heard know, that you're good at it or seemingly good at it, and you don't want to leave that. You don't it's very difficult to leave it. Jump, channel deep. करता उतना इशनल नहीं होता बट आफ्टर अल एक पॉइंट पे हमेशा यू नो आप आगे खड़े हो जाते हैं जहां पर आपको यू टू है फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही होती mm. क्योंकि आप दोनों बोर्ड्स पर अपने पाँव रखे बैठे हुए होते yeah. हैं Um, आप उसको रेकनसाइल कर लेते हैं आप कहते हैं यार देखो मेरी स्टेबल इनकम तो है ना तो वो मेरी आ रही है उधर से तो दैट्स माई स्टेबल इनकम एंड दिस इज माई फन इनकम जिसमें आती रहेगी तो अच्छी बात है एक्स्ट्रा इंजॉय कर लेंगे फिर आप कभी कहते हैं कि यार वो बाहरी कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ तो देखो मुझे डॉलर में आ रही है ना हालात बड़े खराब हैं तो डॉलर में मुझे आ रही है <laughs> फिर एक पॉइंट आएगा जब आप कहेंगे कि यार वो जो मुझे पी के आर में आ रही है ना वो डॉलर टर्म्स में उससे ज़्यादा हो चुकी हुई है तो ये दिस इज एन एक्सक्यूज दैट्स नो लॉन्गर वर्किंग

मैं इमरान खान पॉडकास्ट हो गई मैं सी एन एन पे आ गया मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दे दिया मुझे अगले दिन अम्मा ने यही बोला था बेटा कोई सी एस एस की नौकरी पकड़ लगा लग जाएगी तो एक दिन मैं एक टाइम आया जब मैंने ना क्या किया कि माई मदर वुड वुडी लाइक यू नो गेट जॉब आई वॉज वर्किंग एट टेरा डेटा बिफोर दिस तो मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल की मैंने कहा यार तुम्हें कितनी तनख्वाह मिल रही है ना किसी को अच्छी मिल रही थी किसी को एवरेज मिल रही थी मैंने सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट करके एक एवरेज तनख्वाह निकाली मैंने क्या किया मैंने एक कंपनी रजिस्टर की मीडिया की मैंने जितना भी था ना वो कंपनी में डाला और मैंने अपने आप को महीने की तनख्वाह देना शुरू कर दी और मैंने अम्मा को बोला मैंने कहा अम्मा

मैं माँ पे था तो मैं माँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड था बिकॉज ऑफ़ द डिफरेंट कल्चर क्लाशेज एंड यू नो डिफरेंट किस्म की आपके दिमाग में सोचें आ रही होती हैं कि अच्छा अब मैं इधर आ गया मैं पहले क्यों नहीं आया या मैं इनके कल्चर का पूरा हिस्सा क्यों नहीं हूँ बुला बुलाब बहुत सारी इस तरह की सोचें होती हैं um, तो आप कभी भी पूरी तरह सेटल डाउन नहीं हो सकते स्पेशली बींग इन पाकिस्तान एंड मैं कहता हूँ अगर आप बाहर रहे हो आपका कर्ज भी है है हाँ। कि आप पूरी तरह कहीं के भी नहीं ये एग्जैक्टली exactly यही बात है हाँ। कि मैं उस दिन अपनी बेगम को ये बोल रहा था मैंने कहा यार हमारा कर्ज ये है कि हम पाकिस्तान छोड़कर आ गए ना काश हम ऐसे होते कि हमें पाकिस्तान से कोई

हम लोग अनफॉर्चुनेटली उस उसमें हैं उस कर्ज में कि हमने बाहर भी देख लिया रह भी है फिर वापस भी आ गए अब हम फंसे हुए हैं हाँ। मैं आज मतलब मैं चाहूँ तो आई आई एम लिविंग इन पाकिस्तान बाय चॉइस आई कैन गो टू एम आई कैन सेटल डाउन मैं वहाँ पे आराम से रह सकता हूँ बट मैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें को चीज़ों को क्वेश्चन करता हूँ मैं अपने अपने आइडेंटिटी को क्वेश्चन करता हूँ फिर वो एक अजीब सा क्राइसिस शुरू हो जाता है और वही बात है थोड़ा सा वही पहलू क्योंकि अब नाउ दैट यू अंडरस्टैंड दैट साइड ऑफ थिंग्स कोई चीज़ थोड़ी सी यहाँ भी अप्लीकेबल है मैं जब सोचता हूँ छोड़ने का तो hmm. पचास चीज़ें तमाम में आती हैं मैं सोचता हूँ कि यार इतने अच्छे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है आई एम लर्निंग सो मच एंड नो इट कीप्स मी ग्राउंडेड इट कीप्स मी मैंटली थोड़ा सा यू नो मेंटली एक्टिव एंड यू नो लॉजिकल क्योंकि मैं देर इज़ अ करिएटिव साइड विच

बट दैन देर इज ऑल इज दॉट के ओके आई है पैशन इट गोइंग वेरी ग्रेट इफ आई एम टू कन्वर्ट माई पैशन लव इट एंड आई स्टॉप लविंग बात मेरी अम्मी करती हैं ये अक्सर मेरी अम्मी ये बात करती हैं कि अभी जो जिस तरह तुम करते हो मेरा प्रोसेस भी है कि मैं काम करते करते शायद कुछ मुझे मेलिडी है कि मैं कुछ लिख लूँगा वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं म्यूजिक के लिए बैठता हूँ हाँ। मेरी हम ये कहते हैं कि जब तुम पूरा टाइम इसके लिए शायद बैठोगे हो सकता है तुम तंग आ जाओ हाँ। वो वो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब के साथ ऐसा होगा वो मेरी पर्सनालिटी का थोड़ा सा हिस्सा है मैं शायद फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ हाँ। क्योंकि मुझे वो डिसिप्लिन की आदत है सुबह उठना है कॉफ़ी पीनी है मैंने अपना वर्क डेस्क ऑन करना है मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है वो उसकी आदत है उससे ब्रेकआउट करना एक काफ़ी मुश्किल मुझे लगता है टास्क होगा एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज हेल्दी रियली एग्जॉस्टिंग समटाइम्स मैंने वो जो आप बात करते जहाज में भी मैंने किया हुआ और ट्रेवल करते करते भी समाइम्स इट गेट्स रियली है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को लेकिन दिस पॉइंट इन माई लाइफ दिस इज वेरी आई मैट आई डोंट नो वेर आई विल इन द नेक्स्ट ईयर ये yeah. चीजें बदल सकती and हैं। and this is I mean this is not hard written in stone no, के यार मुझे quote no, no, no. करो दो साल बाद I mean मैं तो be कर रहा हूँ मैं engineer होंगा नहीं to be very honest I feel like के anyone who thinks they know everything at any point nah, in their nah, life nah, is an idiot I think no, we're all never. the internet somehow makes us want feel superior to feel superior and, feel करा था आपको आप हो आपने authority हो आपने अपनी हां। opinion देना perspective देना perspective देना ये ये I know the answer right but but I feel like के ऑनेस्ट टू गॉड थॉट यही है कि भैया आज नहीं पाँच साल बाद भी हम इसी बोट पे होंगे या yeah. दस साल बाद भी इसी बोट पे होंगे कॉन्टेक्स बदल जाएगा वेरिएबल्स बदल जाएंगे बट बिल्कुल बिल्कुल एनी वन भी आपको देखें मुल्क का नहीं पता क्योंकि वही आप बात करते कि योर आ रहे हैं कहने को मैं कहूँ यार अच्छा म्यूजिक आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट लास्ट बट दिस जॉब दिस कीप्स मी इन द बोर्ड एंड यू नो मुल्क जहां भी जाए एट द द एंड ऑफ डे आई I hmm. am uh, fighting inflation easily, and I survive. kar सकता हूँ बहुत thoughts hoti hmm. kya ho ah, <laughs> kya ho? I mean, सोचने makes yeah, <laughs> Makes sense yeah. Anand bhai, I'm gonna wrap this up. Um, first of all, kehna before I want to say one before I do that. Um, I've, I don't know what, what it's about you. There's a particular aura. I've spoken to a lot of people in the last three years, and a lot of people have said the sort of things that you've said you know it's really important to be grounded it's really important to be humble um and a lot of people say it with a lot of pride you know okay but there's a big big difference between meaning it doing it yeah. with heart and actually um just having it as a cosmetic layer it's incredible the level of humility that i've i've, I've learned from you thank you sir आई होप आई मीन बड़ी कम ऐसे हुआ है uh, कि मेरे बड़े दिल से दुआएं किसी के लिए निकलती हैं भाइयों की तरह मेरी आपके लिए वो sir. दुआएं निकल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी और um I, my, my son is a huge fan he's two and a half years old he, li he literally sings all of your songs he's l learning urdu thanks to you, <laughs> <laughs> so, you know, that's so the glad. content <laughs> yeah. so so um there's i know there's a huge fan moment for me i know there'll be a huge so fan moment for likewise. him um but but thank you so much for coming in i'm gonna ask you one question that I generally ask all of my guests. And you've been around, you've lived in Berlin for four, four months, you've been to Amsterdam yeah. very recently. Um, Pakistan, unfortunately, as a country, is going through some turbulent times. Um, how do you see Pakistan 27 years from now, in 2050, knowing all of what you know now, seeing all of what you've seen throughout your life? Honestly, it gives me a lot of, uh, you know, Uh, बहुत हार्श हो जाएगा बट खैर मुझे तो डर लगता है लेट्स लेट्स पुट इट दैट वे क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल का चेंज होता है ना जो mm -hmm. जब आपको वो नज़र आना शुरू हो जाए ना तब आप बहुत होपफुल हो जाते हो एंड अ टाइम वैन आई वॉज रियली होपुल स्टार्टअप्स आ रहे थे बड़ा कुछ इस तरह की चीज़ें mm -hmm. हो रही थी अब तो खैर वो 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 एरा भी चला गया टेक्स स्टार्टअप्स भी गए मतलब जब मैं आप देखता हूँ ना जिस तरह से चलो मेरी तो सैलरी वो हो रही है इन्फ्लेशन कैटेगरी मैं दूसरों को देखता हूं. Being in this position, और ये मैंने, ये मैंने बड़ी अजीब सी बात है आई डोंट नो इफ यू फील नॉट बट इन इन अ गुड योर लाइफ शायद सबके साथ ऐसे ना बट दूसरों के मसले ना आपको ज्यादा फील होना, हो hmm. um, होना शुरू हो जाता है वो क्यों इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं आपको उनके लिए दुख होता है दैट्स द फर्स्ट स्टेप एंड देन फिर आप बाहर देखते हो फिर आप लोगों को देखते हो जिस तरह दे यू you नो know, अपनी डे टू डे लाइफ गुजारने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं फिर आपको बहुत दुख होता है hmm. और आप हो तो यार मैं कुछ कर सकूँ

मैं सीधी बात करूंगा सत्ताईस साल में भी मुझे कोई बहुत brightening में नहीं में नहीं में हूं। मैं दुआ करता हूँ माइकल जैक्सन का गाना है ना आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन इन द मिरर आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू स्टार्ट फ्रॉम आर सेल्व एंड देन यू नो दिसम इम्प्रूवमेंट फिर ये हाँ। एक नेशन बनना शुरू करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर प्रोपोगेट करेंगे चीज़ें वरना अगर ऑनेस्टली अगर अपने आप में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे अगर अपने अंदर की खामियों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे जो हमारी कल्चरली हम में कुछ गलतियाँ और कुछ चीज़ें बन चुकी हैं जो हम एडमिट करने को तैयार नहीं है जो आप बाहर जाते हो तो आपको थोड़ा फील होता है कि यार ये ये बंदा तप नहीं रहा ये बंदा इस इसमें पे इतना पेशेंस कैसे बहुत छोटी छोटी, छोटी चीज़ें फिर आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा ये कुछ पीछे से बैक गेट चलता आ रहा है सो आई नीड टू लाइक मेक चेंजेस इन माई सेल्फ एंड लेट सी और आई थिंक वो होगा तो फिर देर इज होप आई कैन प्रे एंड आई कैन स्प्रेड द मैसेज अपनी तरफ से ज्यादा मैं यही कर सकता हूँ एंड फॉर थैंक यू सो मच वॉचिंग अगर आपके एपिसोड पसंद है दोस्तों अनुसार जरूर शेयर करके नीचे कॉमेंट सेक्शन मुझे बताया डी यू लिस बाई अब्दुल हनान वॉट्स ऑन दैट ऑन दे Uh, आपको म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल हैं आप कॉन्सर्ट्स पर जाते हैं नहीं जाते क्यों नहीं जाते क्यों जाते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है पढ़े वगैरह करते yeah. हैं क्यों करते हैं ना क्या करें um, इसी And के also, साथ इफ़ यू थिंक यूर केपेबल इनफ आप अगर किसी कैपेसिटी uh, में कुछ इंप्रूव कर सकते हैं कोई फीडबैक है तो हमारे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे जस्ट फील फ्री टू शेयर एनी फीडबैक जबरदस्त एंड डू दैट एज वेल यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे जो बड़े लोगों लो तक तो हमारी कॉन्वर्जेशन पहुंचेगी ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब बटन दबाएंगे आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी uh, नीचे uh, स्ट्राइप का लिंक दिया वे लाइक फॉर अस टू रिमेन एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म प्लीज डू सपोर्ट अस पाकिस्तानी ना करें हालात बड़े बुरे हैं बट बाहर वाले पाकिस्तानी जरूर अपना क्रेडिट कार्ड डाल दें हमें फायदा होगा बट एनी वेज दिसमिलसन जैदी आर वॉचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आल सी इन द नेक्स्ट वन